एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट माय नेम इज एस पायल पोपली एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवन का ऑन्टरप्रोरशिप सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर इन ऑंटरप्रीनोर का एक्सरसाइज नाउ व्हाट इज दिस एक्सरसाइज आपकी बुक के पीछे मतलब चैप्टर के पीछे कुछ अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस दिए हुए हैं लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो इस पर्टिकुलर वीडियो में उन सारे के सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देने वाली हूँ एंड एट द सेम टाइम आपको वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको याद रखने हैं बिफोर अटेम्प्टिंग योर आंसर और कुछ राइटिंग टिप्स तो एडिशनली uh, दे दूंगी ठीक है so, सो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है शुरू करेंगे तो अभी तक के के हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मुझे पे करें। कब स्टार्ट करोगे कब स्टार्ट करोगे तो बेटा दो चैप्टर निपटा चुकी हूं मैं अगर आपने नहीं देखी है वीडियोज तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ फटाफट जाके देख लो या फिर तुम गूगल पर भी मैगनेट टाइप करके वहां भी देख सकते हो ठीक है वेबसाइट पर जाके सो so, uh, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट फिफ्टीन वर्ड्स पंद्रह वर्ड से ज़्यादा मैं आपको आंसर नहीं देना है ठीक है पंद्रह का सोलह सत्रह हो सकता है लेकिन पंद्रह का दो सौ नहीं हो सकता पंद्रह का सौ नहीं हो सकता पंद्रह का पचास नहीं हो सकता ठीक so, है सो ये बहुत ही छोटे आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपको बहुत कम लिखना है मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे मानिए ऐसा लिखना है ठीक so, है सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज एन ऑन इंटरप्रॉर देखिए पहले चैप्टर में इन्होंने तो आपसे पूछ लिया कौन होता है नाउ दे आर आस्किंग यू की इंच के बारे में बताइए ये कौन होता है एग्जैक्टली exactly. तो मैंने आपको बहुत तसल्ली से पढ़ाया था इफ यू रिमेम्बर कि एक ऐसा इंसान जो है एक्चुअली एम्प्लॉय लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उसको इतना कंट्रोल मिल जाता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट उसको हेड करने को मिल जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना किसी की कोई इंटरवेंशन नहीं होती तो वो अपनी ऑन्टप्रोरशिप वाली सारी स्किल्स बींग एन एम्प्लॉय इंप्लीमेंट कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और वो कहलाया जाता है इंटरप्रनोर मतलब रियालिटी में वो है कौन एम्प्लॉय किसी के अंडर जॉब करने वाला इंसान है लेकिन वो सारे वो काम कर रहा है जो ऑंट्रोप्रनोर करते हैं वो सारे पार्स होल्ड कर रहा है जो ऑनटरप्रनोर करते हैं रिस्क अल्टीमेटली होगा तो इस वाले केस में इंटरपिनोर वाले केस में बॉस का होगा लेकिन अगर फायदा होगा तो पूरी कंपनी का होगा ठीक है सो येस एम्प्लॉय होके ऑन्ट्रप्रोर वाले काम करने वाला इंसान क्या कहलाया जाता है इंटरपिनोर कहलाया जाता है सो दैट्स बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस entrepreneurship. Okay? Charlie. So they say definition entrepreneur, an entrepreneur like individual, works inside a large company and acts to get things done to manage large critical projects or

से क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया होता छः नंबर का मतलब ऐसा होता कि आपको वर्ड लिमिट तीन सौ दे दिए ढाई सौ दे दिए तो आप एग्जांपल लेते मस्त से समझाते कि मोटिवेशन होता क्या है लेकिन यहाँ पंद्रह वर्ड्स में आपको मोटिवेशन समझाना है मतलब आपके पास एग्जाम्पल इस्तेमाल करने का मौका नहीं है अगर आप किसी भी उसमें वर्ड लिमिट से बियॉन्ड चले जाते हैं ना बहुत ज़्यादा तो एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा खिंच जाता है उसको लगता है ये ज़्यादा बच्चा स्मार्ट बनने की कोशिश करे और वो यूजली मार्क्स काट लेता है मतलब अच्छे तो क्या ही देगा तुम्हारे तो मार्क्स कट जाएंगे सो so, इसलिए इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट को पंद्रह वर्ड्स में डिफ़ाइन करना यहाँ आती है एक्चुअल प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम मैं बार बार तुम्हें बोल रही थी ना हर वीडियो में कि तुम्हें लिखने को दिक्कत आएगी लिखने को दिक्कत होएगी अब यहाँ पे आंसर देखने से तो पहले एक बार ट्राई करके देख लो कमेंट सेक्शन में तुम लिख के देखो मोटिवेशन का क्या कॉन्सेप्ट लिखोगे तुम पंद्रह वर्ड्स के अंदर अंदर और जिसने भी सबसे बढ़िया आंसर लिखा ना जो मुझे लगा कि हाँ ये वाक्य में पंद्रह वर्ड्स के अंदर अंदर मोटिवेशन को बेस्ट वे में इस बंदे ने डिफाइन किया या बंदी ने डिफाइन किया है उसका अप्रिसिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि हम कुछ भिजवा तो सकते नहीं आपको वर्चुअल चॉकलेट्स भिजवा दूंगी बस और कुछ नहीं जैसे आप लोग मुझे वो करते हैं अभी ट्वेल्थ का रिजल्ट आया था तो अच्छे मार्क्स आए सब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स को आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड मिले देर वॉज दिस स्टूडेंट उसने मुझे मस्त इंस्टाग्राम पे पहले तो ये न्यूज़ लिखी कि आई गॉट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन बिजनेस स्टडीज थैंक्स दिस एंड दैट एंड उसके बाद वर्चुअल लड्डो की फोटो भेज दी एंड ही वॉज लाइक मैम प्लीज ईट क्या करना चाह रहे थे तुम हैं मतलब टीज करना चाह रहे थे कि मैम देखो खाओ 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 ऐसे कैसे खाएं बताओ अगर भिजवा रहे हैं तो एक्चुअली में भिजवाओ ना फोटो भेज के क्या वो कर रहे हो सो एनी हम भी आपको बदले में आप फोटो ही भेजेंगे अप्रिसिएशन में अः बता दीजिए क्या होता है मोटिवेशन जल्दी से एंड मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाने वाली हूँ ये सेम नहीं टीपना है तुम्हें अपना वर्ड लिखना है अपना वो लिखना है it is defined as the process that activated the entrepreneurs to exert a high level of effort for the achievement of his or her goal ऑनटरपिनोर्स को एक्टिवेट करती हैं हाई लेवल एफर्ट लगाने के लिए अपने गोल को अचीव कर सके ताकि वो दैट इज कॉल्ड ऑन्टनोरियल मोटिवेशन मतलब उसके अंदर वो अर्थ अर जगाना वो ड्राइव जगाना कि हाँ उसे वो पर्टिकुलर चीज़ करनी है सो so दैट वो अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर सके ठीक है, चलिए Now लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री ये बोलते हैं What डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी हमने entrepreneurs की बहुत सारी competencies पढ़ी थी अगर आपको याद हो इस चैप्टर में सो दे आर आस्किंग यू नाउ कि entrepreneur की कॉम्पिटेंसी क्या होती है बताइए कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होता है कॉम्पिटेंसी का मतलब कॉम्पिटेंसी

इन्होंने कॉम्पिटेंसी का ये डेफिनेशन दिया है बट अगर आप चाहें तो इससे बेटर डेफिनेशन लिख सकते हैं इवन फॉर दैट मैटर जो पिछला वाला भी क्वेश्चन था ना मोटिवेशन वाला उसमें भी आई फेल लाइक और बेटर आंसर हो सकता है सो ट्राई कीजिए अपने इन पे ओके क्वेश्चन फोर है विच वैल्यू प्रोवाइड्स गोल डायरेक्शन टू ऑन्ट्रपेनोर्स कौन सी वैल्यू गोल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ऑन्ट्रपेनोर्स को बताइए बहुत सारी वैल्यूज पढ़ी थी आपने बहुत सारे वैल्यूज के एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने आपको तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी वाली वैल्यूज गोल डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं ऑनटरप्रनोर्स को एंड करेक्ट करेक्ट क्या होगा मतलब एम सी क्यू थोड़ी ना चल रहा है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट फॉर वर्क ऑल ऑन्टरप्रनोर्स बिलीव दैट दे कैन अचीव एनी थिंग थ्रू हार्ड वर्क दिस वैल्यू प्रोवाइड्स गोल डायरेक्शन विच एनकरेज देम टू परस्यू अ पाथ एंड इंसेंटिव आर लिंक टू द डिग्री एंड क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स मेड रिस्पेक्ट फॉर वर्क मतलब काम की इज्जत करना मतलब जो काम आप कर रहे हैं जो काम आपने चूज किया है जो ऑंट्रप्रनोर का प्रोडक्ट या सर्विस में आप अपने आपको इन्वॉल्व करने वाले हैं ऑनटरपिनियल सॉरी प्रोडक्ट या सर्विस में अपने आपको इंक्लूड करने वाले हैं उसका रिस्पेक्ट करना उसकी इज्जत करना ये सबसे मेन कंसिडर किया जाता है सबसे मेन वैल्यू होती है और यही गोल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है यही मदद करती है आपको हार्ड वर्क करने में और इंकरेज करती है कि वो पाथ चुने जो कि आपको इंसेंटिव और मतलब बेसिकली वो पाथ चुने जो मुश्किल भी हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी मंजिल तक लेके जाए ठीक है So, respect for work will be the correct answer of this question. Question 5th state one crucial feature of Fabian entrepreneurs. हमने अलग अलग तरह के ऑन्ट्रप्रेनोर्स के बारे में बात की थी इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑन्टरप्रेनोर्स पढ़े थे अगर आपको याद हो तो चार पहले एक इंसान ने दिए थे पांच छह फिर किसी ने दिए थे फिर दो तीन और एक्स्ट्रा थे बारह पंद्रह तो हमने पढ़े ही हैं टाइप्स ऑफ ऑन्ट्रप्रनोर्स अब वहाँ में से मतलब उनमें से आपको फैबियन ऑन्ट्रप्रनोर जो फर्स्ट वाला था सेगमेंट फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन था उन सर के द्वारा दिया गया ये जो क्लासिफिकेशन है इसका क्रिटिकल फीचर बताना है

कॉशियस एंड डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क ये बहुत शाए होते हैं लेजी होते हैं बहुत ही कॉशियस रहते हैं कि भैया कुछ वो ना हो जाए रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते डू नॉट वेंचर और टेक रिस्क बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं ये है इनका क्रिटिकल फीचर और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चलिए हीरो मोटो कॉर टू व्हीलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू व्हीलर्स मैनुफैक्चर टू व्हीलर्स ठीक है एंड प्रोवाइड सर्विसेज दिस इज एन ऑफ ऑफ टाइप इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल हम पढ़ भी चुके हैं जब हमने वो टाइप का ऑन्ट्रपिन पढ़ा था तो हमने यही एग्जाम्पल पिक किया था बुक में आपका यही एग्जाम्पल मेंशन है यहाँ पे आपको बस यही पहचानना है कि कौन से टाइप का है किसका एग्जाम्पल है ये बताइए फटाफट किसका एग्जाम्पल है फटाफट बताइए हीरो मोटोकॉर्प जो कि टू व्हीलर्स बनाते हैं ये कौन से टाइप के ऑनोर का एग्जाम्पल है एंड आंसर इज इंडस्ट्रियल ऑन्ट्रप्रनोर इंडस्ट्रियल ऑन्टनोर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं थी जब हमने इंडस्ट्रियल ऑन्ट्रप्रोर पढ़ा था तो हमने इन्हीं का एग्जाम्पल पिक किया था चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये बोलते हैं दे आर हाईली एम्बिशियस एंड नॉर्मली नॉट सेटिस्फाइड बाय स्लो प्रोग्रेस इन देयर जॉब्स एक टाइप पढ़ा था हमने ऑनटरप्रनोर का जिसमें एग्जैक्ट लाइन आपकी बुक में लिखी हुई थी बस उस एग्जैक्ट लाइन को आपको याद करना और पता लगाना है कि कौन से ऑनटरप्रनोर पे अप्लाई करता है चलिए बताइए दे आर हाईली एम्बिशियस एंड नॉर्मली नॉट सेटिस्फाइड बाई स्लो प्रोग्रेस इन देअर जॉब्स ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और ये अपने जॉब्स की स्लो प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं दैट्स वाई दे वॉन्ट टू बिकम ऑनटरप्रोर्स जल्दी बताइए कौन से आइए सोचिए किसमें पड़ा था हमने ये बताइए किसमें पड़ा था हमने ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोटिवेटेड ऑंटरप्रीनोर्स हमने जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन्ट्रप्रोर्स का उसमें एक मोटिवेटेड वाला था उसमें एक्जैक्ट सेम लाइन इस्तेमाल की गई थी चलिए लेट्स मूव टू द्वेश्चनलीफिकल्ट था स्टेटमेंट शोज विच एटीट्यूड ऑफ एन ऑनटरप्रीनोर यहां आपसे पूछा है एक स्टेटमेंट देखे की इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑनट्रप्रनोर का कौन सा वाला एटीट्यूड

and the correct answer of this question is attitudes are gradually लर्नड over a period of time हमने एक attitude के बारे में वो attribute पढ़ा था कि भैया ये ना आप सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आता है acquire करते हैं बचपन से बर, मतलब जवानी तक है आगे भी आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेते हैं ठीक है

स्मॉल आंसर टाइप होते हैं ना पहले हमने पढ़े वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सो आपका आंसर फिफ्टी वर्ड्स तक जा सकता है ठीक है थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं आप तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वाई एटीट्यूड इज कॉल्ड परवेसिव

इंडस्ट्रियल uh, कंपनी हो या फिर मान लीजिए कोई ट्रेडिंग कंपनी है या फिर फॉर दैट मैटर सर्विस वाली कंपनी है कोई भी तरह की कंपनी हो मैनेजमेंट तो वहाँ पे लागू होगा ही होगा तो मतलब हर एक जगह लागू होने वाली चीज़ काइंड ऑफ हम बोल देते हैं हर लेवल पे लागू होने वाली चीज़ हम बोल देते हैं परवेसिव ठीक है सो so, यहां बोला गया है एटीट्यूड परवेसिव होते हैं क्यों बोला गया ऐसा वो बताइए जल्दी सोच लीजिए वाई एटीट्यूड इज कॉल्ड है एटीट्यूड परवेसिव होता है जल्दी बताइए अपना आंसर सो द आंसर इज दे आर फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड में रिलेट टू एनी थिंग इन द वर्ल्ड एटीट्यूड किसी भी चीज के बारे में हो सकता है इट कैन भी अबाउट रिलीजन इट कैन भी अबाउट पॉलिटिक्स इट कैन भी अबाउट स्टडीज इट कैन भी अबाउट फ्रेंड्स इट कैन भी अबाउट फैमिली इट कैन भी अबाउट खुलीग्स इट कैन बी अबाउट योर वर्क कल्चर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप मतलब एटीट्यूड uh, हर एक रिस्पेक्ट में रख सकते हैं जैसे जैसे आप लाइफ से एक्सपोजर पाते हैं अलग अलग चीज़ें देखते हैं लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को लेके अपना एक एटीट्यूड फॉर्म कर रहे होते हैं सो येस इन ये परवेसिव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है हर एक चीज़ से रिलेट कर सकता है फॉर एक्जाम्पल अ पर्सन में हैव पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूज टूवर्ड्स रिलीजन पॉलिटिक्स पॉलिटन एंड कंट्रीज सेम एग्जैक्ट लाइन वहां पर भी पढ़ाई थी मैंने आपको जहां पर मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था ठीक है चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ एटीट्यूड के बहुत सारे फीचर्स हमने पढ़े थे बस दो कोई फीचर उनमें से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने है अब देखिए जो आंसर मैं आपको दिखाऊंगी नॉट नेसेसरी आप वही सेम दो पॉइंट्स कॉपी करें आप अपने मन से और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपने पढ़े होंगे अगर दस फीचर्स हमने पढ़े हैं तो नॉट नेसेसरी जो दो फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ आप वही लिखें दस में से जो आपकी पकड़ जिन पॉइंट्स पे सबसे अच्छी है आपको वो लिखना है ठीक है चलिए दो पॉइंट्स यहाँ पे अफेक्ट्स बिहेवियर पीपल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर एटीट्यूड्स कैन लीड टू इंटेंडेड बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवर्ड सॉरी सो बेसिकली दे आर सेइंग कि भैया लोगों की नेचुरल टेंडेंसी होती है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में मतलब जिस तरीके का आपका एटीट्यूड होगा आप बिहेव भी उसी तरीके से करेंगे लाइक like, अगर मान लीजिए मेरा वर्क को लेके नेगेटिव एटीट्यूड है तो मेरा बिहेवियर भी आ, अपने कोलीग्स को लेके अपने ऑफिस को लेके नेगेटिव ही रहेगा तो एटीट्यूड और बिहेवियर साइड बाई साइड चलते हैं अन बाहर से उनके ऊपर कोई चीज़ आ, नहीं लग, लगाई जाती है तो ठीक है इट इज़ इनविजिबल ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें डायरेक्टली नहीं दिखेगी लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके ऑब्जर्व करें तो इनडायरेक्टली आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस से पता चलेगा लाइक देर वॉज दिस एग्ज़ाम्पल कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम करती हूँ बहुत अच्छे से काम करती हूँ मेरे मेरे मतलब मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा 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 है ठीक है so, सो ऐसे सिनारी में आप सोच के देखिए मैं इतना अच्छा काम या इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे दे पाती हूँ क्योंकि मैं अपने काम से खुश हूं तभी कोई इंसान अपने काम से खुश नहीं होता तो वो बिल्कुल जैसे मान लीजिए जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो मैक्सिमम कितने मार्क्स लाते हैं चालीस पैंतालीस मतलब पासिंग मार्क्स लाएंगे एंड दिल भी हैप्पी कि हाँ भैया जितना चाहिए था उतना आ गया पास होने के लिए जितना चाहिए था उतना आ गया लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बोलें कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना पसंद है ठीक है वो चाहता है लाइफ में पढ़ना तो ऐसे सिनारियों में वो चालीस पचास में खुश हो जाएगा नहीं होगा वो साठ अस्सी नब... नहीं साठ नहीं सॉरी अस्सी नब्बे सौ ऐसा वो करेगा राइट सो so, आपकी खुशी मतलब आपकी खुशी आपके रिजल्ट से देखी जा सकती है सो so, सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपका एटीट्यूड आपके आउटकम के कौन मतलब उससे देखा जा सकता है कौन से मतलब कनेक्टेड uh, होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज हाईली प्रोडक्टिव वे मे इन फॉर दैट ही हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज और हर वर्क सेम एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया अच्छा सॉरी मैंने आप लोगों को ना स्क्रीन लेने का मौका नहीं दिया तो एक काम करो स्टार्टिंग क्वेश्चन से स्क्रीन लेना शुरू कर दो ये स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करोगे तुम तो ये नहीं कि तुम सीधा यही टिप आ जाओ बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि इससे बेटर आंसर हो सकते हैं दीज आर नॉट द परफेक्ट आंसर्स जो एक्सप्लेनेशन मैंने तुम लोगों को सिखाई थी उसके बेसिस पे तुम खुद भी आंसर लिखना अटैम्प्ट कर सकते हो चलिए सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन प्लीज थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ मतलब फर्स्ट हो गया सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में और ये सेकेंड हो गया चलिए ले लिए स्क्रीन

दैट्स वेरी सिंपल अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत सिंपल आए हैं क्योंकि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें मतलब ज्यादा सोच विचार नहीं करनी जो बस पढ़ा था बस वही लिखना है यहाँ पे जो मेन तुम्हें मार्क्स कट सकते हैं ना वो हो सकते हैं तुम्हारी राइटिंग स्किल्स की वजह से सो उनपे फोकस करना चलिए रिस्पेक्ट फॉर वर्क में ये बोलते हैं ऑन्ट्रपेनोर कल्चर रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज वर्क ऑनट्रपिनोर हुफुल बिलीव दैट टू अचीव वन हैज डू हार्ड वर्क टू देशिप ये बोलते हैं कि भैया जिनको लगता है ना कि हमें सक्सेस अचीव करनी है उनको साथ ये भी बताओ होता कि भैया हम हार्डवर्क की मैंने तो सक्सेस अचीव नहीं कर सकते कोई इंसान अगर सोचे कि मुझे लाइफ में बहुत ऊंचाइयां मिल जाए तो भैया बिना काम किए तो मैं ऊंचाइयां तो नहीं मिल सकती हैं सिंपल सी बात तुम सोचो मैं सारा दिन सोफे पर पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद मेरा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हूँ हाँ अगर तुमने अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे कर दिया लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और यू कांड ऑल टुगेदर बी लाइक लेड बाय एटीट्यूड नहीं चलेगा जैसे मैग्नेट रिंग्स मैग्नेट रिंग्स में जो को फाउंडर्स हैं उनका इतना एक्टिव रोल नहीं है देखा जाए तो क्योंकि बेसिकली इट्स इट्स रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स लेकिन अगर वो यही सोच के कि टीचर्स निपटा लेंगे टीचर्स देख लेंगे वो अपना यू नो लाइक रिलैक्स होके गोवा वोआ घूम के आ रहे होते तो ऐसे सिनारियों में सोचिए क्या मैग्नेट ब्रिंग्स उस सक्सेस मतलब उतना सक्सेस अचीव कर पाता जितना उन्होंने आज की डेट में किया हुआ है नहीं तो यहाँ पे गो फाउंडर्स ने ये समझा कि ठीक है हम फेस नहीं है चैनल का यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन हम बैक एंड पे तो मैनेज कर सकते हैं ना चीजें तो अगर आप सोचें आपका बिजनेस आप ऑटोमेशन पे लेके जाओ तो भी आपको कहीं ना कहीं नज़र तो रखनी पड़ेगी सुपरविजन तो करना पड़ेगा है ना सो रिस्पेक्ट फॉर वर्क मतलब आपको अपने काम की इज्जत करनी चाहिए और इज्जत का मतलब ये है कि हार्डवर्क करो सक्सेस अचीव करनी है तो हार्डवर्क करो Innovation and creativity, these are the most important values found among most of the entrepreneurs. Creativity is the ability to bring something new into existence or new ways of doing things, and innovativeness in, is the ability to make it work in practice. क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई नई चीज़ों के बारे में सोचना जो पहले कभी नहीं हुई हुए है। और इनोवेशन का मतलब होता है वो जो तुमने नया नया सोचा है ना उसको एग्जिस्टेंस में लाना जैसे मैं सोचूं कि मुझे अलग किस्म का पेन बनाना है जो कि रब हो सके जैसे पेंसिल होती है ना रब कर सकते हैं उसे वैसे पेन बनाना है तो, तो दिस इज माई क्रिएटिविटी बिकॉज आई थॉट अबाउट समथिंग न्यू लेकिन उसको एक्चुअली एग्जिस्टेंस में लाना विल बी कॉल्ड एज इनोवेशन क्या समझे मैंने बोला मुझे एक पेन बनाना है जो कि रब हो सके मतलब जिसे इरेज किया जा सके राइट तो ये क्या थी ये मेरी क्रिएटिविटी थी कि मैं नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रही थी जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन उसे एक्चुअली बना के लोगों को पेश करना ये क्या कहलाया जाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज इनोवेशन तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन गोज हैंड हैंड एंड हैंड ठीक है तो दोनों साथ में चलेंगे और आपको दोनों के बेसिस पे ही वोच करनी पड़ेंगे और उन्होंने हेयर ऑयल का वो दिया हुआ है सारे में जो आ रहे थे वो मैंने समझाया होता था तो तुम्हें एग्जाम्पल पहले भी चलिए नेक्स्ट है नेम द टाइप्स ऑफ ऑनप्रोर्स अकॉर्डिंग टू डेन होफ के बेसिस पे जो चार ऑंट्रप्रोर्स थे अलग अलग उनका नाम आप बताइए नेम द टाइप्स ऑफ ऑन्ट अकॉर्डिंग टू डेनहोफ सो आंसर है आपका इनोवेटिव इमिटेटिव फैबियन ऑनपिन ऑंट्रप्रोर अच्छा अब एक चीज समझना अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मैम ऐसे में क्या हमें सिर्फ नाम लिखना है या फिर हमें एक्सप्लेन भी करना है उनके बारे में एक एक लाइन भी लिख के आनी है मतलब हो सकता है ना कोई इंसान सोचे कि सिर्फ नाम लिखने के मार्क्स मिलेंगे क्या मतलब चारों ऑन्टर्स के नाम लिख दिए हमें मार्क्स मिल जाएंगे दैट इज तो नॉट डन न तो बहुत सस्ते में छूट रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है यहाँ आपका क्वेश्चन बोल रहा है नेम द टाइप्स मतलब उन्होंने पूछा ही तुमसे नाम है तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देने का मतलब क्या बनता है सो so, हमेशा क्वेश्चन को एक बार रीड करने के बाद अच्छे से समझ लिया कीजिए कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं जो पूछे एग्जैक्ट वही आंसर दोगे कभी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे ठीक है so, सो नेम करना है तुमने नेम लिख दिए सारे के सारे एंड बस तुम्हारा आंसर कंप्लीट

बताओ मुझे दो रीजन बताओ फटाफट कॉमेंट्स में लिख के क्यों हमें इंटरप्रनोरशिप को प्रमोट करना चाहिए और वही आपका यहाँ पे आंसर भी होगा शॉर्ट में बताओ बिल्कुल पॉइंट वाइज बस नाम लिखना है दो रीजन बताओ क्यों इंटरप्रनोरशिप को हमें प्रमोट करना चाहिए हाँ जी तो इम्पोर्टेंस क्या है इंटरप्रनोर का see this is the answer it says these individuals can work independently but even more important can work seamlessly as part of an integrated team structure and also effectively embrace and embody the culture of entrepreneurs host organization entrepreneurs are most successful when management empowers and supports them and in turn the entrepreneurs represent the best interest of their organizations while earning the respect of corporate peers okay so ap kutsoch kideko जब इंथबेनोर इफेक्टिवली काम करेंगे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होगा वो थोड़ा सा फ्री रह सकता है क्योंकि उसको पता है कि इंथबनॉर खुद से मैनेज कर लेगा किसी प्रोजेक्ट को राइट right? मतलब ये इंसान थोड़ा सा फ्री रह सकता है और ये बाकी इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सकता है और इंतपिन ने जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट या सर्विस या फॉर दैट मैटर नया मार्केट या नई प्रोसेस अगर एग्जिस्टेंस में लाई होगी तो इससे भला किसका होगा अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू टेक दैट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्योंकि भैया इंतपिन ने तो मेहनत करी है ऑर्गेनाइजेशन में रह के लेकिन वो मेहनत रंग तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लाएगी ना नाम तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पे ही चढ़ेगा ना एंड इससे Employee turnover की प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो सकती है एम्प्लॉय टर्न भी कम हो सकता है मतलब लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं रहेगा बिकॉज पीपल विल बी हैप्पी लिविंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन दे आर गेटिंग दिस मच एडवांटेज कि हाँ यार हमारे को पूरा कंट्रोल मिल रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हमें पूरी इजाजत मिल रही है कि तुम्हें जो करना है इस चीज के साथ करो तुम्हारा है ये प्रोडक्ट ऐसे मान लो तुम तो ये इंडीड इससे बहुत फायदा पहुंचेगा और एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के साथ ही जहां पे दो लोगों ने जेरोक्स कंपनी में काम करते करते अपने बॉस को आइडिया दिया था और बॉस ने उस आइडिया को कंसिडर नहीं किया देम टू डू ही यू नो लाइक वॉन्टिंग हिम टू वॉन्टिंग देम टू डू तो बेसिकली इन दोनों ने क्या किया जेरोक्स कंपनी छोड़ी और एडोबी खुद मतलब एडोबी कंपनी करके खुद एक uh, नई कंपनी स्टार्ट कर ली और आज की डेट में उसके सामने जेरोक्स टिक्की भी नहीं हुई है ठीक है मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच गई है सो यस इंडीड अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टैलेंट्स को मौका नहीं देंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे या खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल लेंगे तो एक कॉम्पिटिटर बढ़ाने से अच्छा है कि आप उन्हीं को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही थोड़ा सा पूछ दे दो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बोलता है वट इज इनोवेशन टाइम ऑफ इन एन ऑन एंटरप्रिनशिप प्रोग्राम वट इज इनोवेशन टाइम ऑफ

All the employees are empowered and encouraged to spend 20% of their time on projects that their interest that interest them and their thinking will benefit the Google and their customers. It has a formal process for their selection of entrepreneurial projects for the formal evaluation process and monitoring of each, this and that. Okay. So basically innovation time of kuch nahi hai. Uh, सबसे पहले गूगल ने ये स्कीम स्टार्ट की थी क्या बोला था अपने एम्प्लॉयज़ को कि अगर तुम 10 घंटे मेरे यहाँ पे काम करते हो तो उस घ दस घंटे में से 20 प्रतिशत तो जो टाइम होता है वो तुम अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट पे लगा सकते हो ठीक है अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट पर लगा सकते हो ठीक है और ऐसे में और ये भी ध्यान रखना कि वो प्रोजेक्ट गूगल के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए उसके कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए तो ऐसे मानिए मैग्नेट रेंज में जैसे एम्प्लॉयज़ आते हैं सारे टीचर्स आते हैं अगर हर किसी की शिफ्ट पाँच पाँच घंटे की है तो पाँच घंटे में से ट्वेंटी तुम वो पढ़ाओ जो तुम्हें पढ़ाने में मज़ा आता है एंड एट द सेम टाइम मैगनेट रेंज भी उससे फ़ायदा करेगा जैसे बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे रेगुलर सीरीज वो बना रहे हैं सिलेबस की वो वीडियोस जैसे वानिया मैम की बात करूँ वानिया मैम नॉर्मली आपको कोई एक सिलेबस पढ़ा रही है लेकिन साथ में वो मिनी जानकारी भी दे रही हैं आपको उसकी एक अलग सीरीज निकाल दिया तो वो ट्वेंटी टाइम उस चीज़ में डिवोट कर रही है जो मैग्नेट मैग्रोग्रेंस को फायदा भी पहुँचाएगा एंड एट द सेम टाइम वो इनके इंटरेस्ट की भी चीज़ है ठीक है सो ऐसा गूगल uh, करता था और इससे काफी फायदा भी मिला और ऑंट्रप्रोरियल प्रोजेक्ट्स की वो भी होती है इनमें मतलब थोड़ा थोड़ा ये uh, उनसे पूछते हैं कैसे क्या रहेगा सिस्टम ऑल सो ये हो गया हमारा ऑन्ट्रप्रनोरशिप प्रोग्राम के बारे में और ये सारा डिस्कशन मतलब ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक में एग्जैक्ट वे में सेम चीजें लिखी हुई है लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर करना है सेवेंटी फाइव वर्ड्स में पहले फिफ्टीन वर्ड्स में कर रहे थे फिर फिफ्टी वर्ड्स में कर रहे थे अब सेवेंटी फाइव वर्ड्स में करेंगे आप ठीक है ये बोल रहे हैं द थॉट्स फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टू बिहेव आर एक्वायर्ड ग्रेजुअली इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स ये बोल रहे हैं जो फीलिंग्स थॉट्स और टेंडेंसीज होते हैं वो हम ग्रेजुअली एक्वायर करते हैं मतलब आराम आराम से आहिस्ता 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 ओवर द इयर्स हम एक्वायर करते हैं सो so, इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स बताने हैं मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस बताए थे एटीट्यूड के कहाँ से आता है एटीट्यूड एग्जैक्टली exactly, वो हमने पढ़ा था तो पे यू हैव टू टेल दैट ओनली चलिए बताइए सो द आंसर इज द सेंट्रल आइडिया रनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज दैट द थॉट्स फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टू बिहेव आर एक्वायर्ड और लर्न ग्रेजुअली द आर एक्वायर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज फर्स्ट उसमें है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने खुद ने फील किया है ओवर द इयर्स इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया था आपको टॉपिक वाले मतलब जिसमें मैंने ये टॉपिक कवर किया था उस वीडियो में नहीं देखा है फट से जाके देख लो ठीक है यहाँ ये बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट वर्क एरिया डिटर्म हिज और हर एटीट्यूड टूवर्ड्स इट for example if a worker finds his or her job challenging always tries to understand supervisors and co-workers is nature wise very cooperative creates a healthy environment completes the task on time and is satisfied with happy and happy with the entire environment then he or she will have a positive attitude towards his work because of the quality of his or her direct experience with the job hai ki an organization join karte and you feel वहाँ पे सब परफेक्ट है सब आपके साथ बहुत अच्छा 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 हो रहा है सब आपके साथ बहुत सेट तरीके से बैठे हुए हैं यू आर हैप्पी वर्किंग देयर वो वर्क कल्चर आपको बहुत पसंद आ रहा है देन इन दैट सिनेरियो आप ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जॉब के टूवर्ड्स क्या रखेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे क्यों क्योंकि आपने सारी चीज़ें खुद ने फील की हैं ठीक है सो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो खुद जो आप डायरेक्टली पर्सनली फील करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है अगर आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया है जैसे मान लीजिए आप रिलेटिव्स के घर जाते हो वो आपको देख के मुंह बनाते हैं तो आपको वहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड आएगा टू वर्ड टाइम लेकिन अगर आप वहीं पे किसी और रिलेटिव के घर जाओ और वो आपको देख के खुश हो जाए तो वहाँ आप पर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा तो मतलब क्या हुआ आपने जो चीज़ खुद ने फील की वहां जाके जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे यू फॉर्म डोअर एटीट्यूड राइट तो बस वही चीज लिखी हुई है इसमें आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो एग्जाम्पल मैंने इस्तेमाल किया था वैसा भी कुछ दे सकते हैं सेकेंड है ग्रुप एसोसिएशन यहाँ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अ पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी द कंपनी ही कीप्स ऐसा एक डायलॉग है ना मतलब कोटेशन है अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स मतलब आपके दोस्त अगर शैतान है तो लोग आपको भी शैतान समझेंगे आपके दोस्त अगर बहुत यू नो लाइक अच्छे हैं तो लोग आपको भी अच्छा समझेंगे चाहे आप अच्छे हो के नहीं हो या चाहे आप शैतान हो के नहीं हो तो आपके आस पालों आस पास वालों से भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है ठीक है इसीलिए डायलॉग्स बोले जाते हैं एक मैंने और डायलॉग आपको बताया था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है राइट तो वो भी इसी पर ही बेस्ड है कि आप ना अपने जिनके साथ रहते हो ना काफ़ी हद तक उनकी जो मैंटेलिटी है ना वो भी आपके टूवर्ड्स आती है मतलब आपके अंदर आती है आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ तो सबकी तो लाइफ पॉजिटिव होती है जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो क्यों बोला जाता है ऐसे क्योंकि टॉक्सिक लोग खुद तो टॉक्सिक होते हैं तुम्हारी लाइफ को भी टॉक्सिक बना देते हैं क्यों क्योंकि वो अगर तुम्हारे आसपास रहेंगे नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे तो तुम्हारी लाइफ भी अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगी ना इसलिए उनसे बाहर निकलो इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिविटी ठीक है तो ये यही बोल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज टू डिग्री और अनदर बाय अदर मेंबर्स इन अ ग्रुप टू विच दे बिलोंग जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं चाहे थोड़ा सा हो चाहे बहुत ज्यादा हो दे आर डेड यू डू वोडक्ट एथिक्स वॉरफेर एंड अ

थर्ड है इसमें इन्फ्लुएंशियल टू अदर्स मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसिंग लोग जो बड़े लेवल पे होते हैं बड़े स्केल पे होते हैं उनको देख के उनको लोग अपना आइडियल मानते हैं वो जो बोलते हैं उनको आप फॉलो करते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो से या कंज्यूमर्स एटीट्यूड कैन बी फॉर्म एंड चेंज थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पर्सन सच एज रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स रिलेटिव एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन लीडर्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर रिस्पेक्टेड बाय देर फॉलोअर्स एंड हु मे स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स एंड परचेज बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजेस ऑफ इन यूज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस यही एक रीज़न है जिसके कारण एक्टर एक्ट्रेस को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एड्स में और नॉर्मल लोगों को नहीं मौका मिलता क्यों क्योंकि उनको देख के लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये बोल रहा तो ये सच ही बोल रहा होगा और उससे इन्फ्लुएंस होकर तुम अपना बिहेवियर अब तुम्हारा एटीट्यूड उस पर्टिकुलर चीज़ के टूवर्स बनता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? Uh, यहाँ पे एक लिखा हुआ है नहीं नहीं एग्जाम्पल यहाँ पे एक अलग लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर बूस्ट की ऐप में आता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी अब सचिन तेंदुलकर सर की एनर्जी के बारे में तो बहुत ही बात होती है राइट अगर वो बूस्ट को बोले कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी आई यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस जबकि उनके ज़माने में बूस्ट था भी कि नहीं वो भी नहीं पता बट आज की डेट में ही सेंग सच आ थिंक तो जितने भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स होंगे उनको लगी ना अरे सचिन सर बूस्ट पीते थे हम भी बूस्ट पियेंगे जैसे वो वो सेंचुरीज यू नो you अटेन know, करते थे हम भी करेंगे राइट तो सारी लड़कियां ऐश्वर्या राय बच्चन इन कल्याण ज्वेलर्स अब जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन कल्याण ज्वेलर्स की उसमें बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं आई गेस अमिताभ बच्चन सर को भी इस्तेमाल किया हुआ है कल्याण ज्वेलर्स वालों ने या मेरे ख्याल से ये पूरी फैमिली को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैंने जया बच्चन मैम को भी देखा हुआ Anyways, these advertisements show typical people confronting typical problems and finding solution in the use of their सो बेसिकली दे आर वह के लोग क्या करते हैं जो प्रॉब्लम्स मतलब ये एड बनाने वाले लोग क्या करते हैं कि लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं ना वैसा ही डिपिक्ट करते हैं आज में कि वो लोग भी वही प्रॉब्लम फेस कर करें फर से किसी को एक्ने हो गया है किसी की स्किन बहुत डल हो गई है किसी को टैनिंग हो गई है तो ऐसे दिखाया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और उसको सॉर्ट करने के लिए क्रीम लगाओ ये वो लगाओ ये वो लगाओ तो इससे क्या होगा कि लोग रिलेट कर पाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझे भी होती है अच्छा मैं भी ये क्रीम लगाऊंगा तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी क्या मैं भी इतना खूबसूरत इतना गोरा चिकना दिखना शुरू हो जाऊंगा और

मतलब ऐसे सोच के देखिए ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप पैदा होते हो तो आप एटीट्यूड लेके पैदा नहीं होते ये एटीट्यूड आपको इस जन्म में आने के बाद चीज़ें समझने के बाद आता है तो आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है बहुत सिंपल है ये एक्सप्लेनेशन दो it says yes it is true statement the process of learning attitude starts right from childhood and continues throughout the life of a person it means attitudes are gradually learned over a period of time मतलब जब बच्चा पैदा होता है जो टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है जो फैमिली उनके अंदर एम्बीड करती हैं वही सारी चीज़ें उनके साथ लाइफ टाइम रहती हैं मतलब स्टार्टिंग में ही आपने इतना कुछ मतलब वो कर लिया जैसे कुछ फैमिलीज में बच्चों को कीर्तन में ले जाया जाता है यू नो you know, गुरुद्वारे मंदिर ले जाया जाता है गुरबानी सिखाई जाती है पंजाबियों में सिखाते हैं हिंदुओं में हनुमान चालीसा सिखाया जाता है और भजन कीर्तन सिखाए जाते हैं माता रानी के तो ये सारी चीज़ें क्या है वो सारी चीज़ें बचपन में ही उनके, उनके उनके अंदर वो आ, लाइफ को लेकर भगवान को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए किया जाता है और अगर बचपन में वो इस चीज़ से सिख रहे तो वो लाइफ टाइम वैसे रहेंगे लाइक देर इज़ दिस लाइक मेरी कज़न नहीं बोल सकते मेरी मॉम की कज़न बहन की बेटियां हैं ट्विंस हैं और उनको बचपन से ही मासी बुलाती हूँ मैं उनकी मॉम को मासी उनको गुरुद्वारे ले के जाया करती थी ठीक है तो वो दोनों को ही मतलब गुरबानी गाने का और सब चीज़ों को बहुत शौक लगा बचपन से ही और आज की डेट में भी मतलब दो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ एंजॉय नहीं करती पार्टी नहीं करती घूमते नहीं है दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करते लेकिन गुरबानी तो मतलब जब भी गाए जानी है गुरुद्वारे में उनके द्वारा ही गाए जानी है ऐसे रहता है उनका तो यस आप जो चीज़ें बचपन में एक्वायर कर लेते हो ना बचपन में जो चीज़ें सीख लेते हो वो आप आहिस्ता 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 आता आहिस्ता अपनी पूरी लाइफ में उसको वो रखते हो तो यही चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप पैदा नहीं हुए थे उसकी उनकी मम्मियों ने पैदा होने से पहले ही नहीं उनको वो किया था जब वो इस वर्ल्ड में आए उन्होंने वो चीज़ डेवलप

नीचे आ जाती है ठीक so, है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑन्ट्रप्रिन वेंचर टू टेक रिस्क बट समर्प्रोर्स आर वेरी शाय एंड ले बाय नेचर कौन से वाले ऑन्टरप्रनोर्स के बारे में बात हो रही है फेबिन वाले के बारे में बात हो रही है आंसर uh, uh, दे दिया मैंने मैंशन द नेम ऑफ सच ऑनटरप्रनोर्स एंड एक्सप्लेन आपको उन ऑनटरप्रनोर्स का नाम बताना है जिनके बारे में ये शाई लेजी ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया फेबिन के बारे में बात हो रही है ना यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन फेबिन वाले होते कौन से So, according to C. Danhoff, Fabian entrepreneurs are categorized in third group. Each uh, such entrepreneurs are very shy and lazy. They are very cautious. They do not venture or take risk. They are rigid and fundamental in their approach. Usually, they are second generation entrepreneurs in a family business enterprise. They follow the footsteps of their predecessors. Uh, they imitate only when they are such uh, that failure to do so uh, would result in a loss of the relative position in the enterprise. So, basically, Ye look. चेंज लाने में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं बहुत रिजिड होते हैं बहुत अपने जड़ों से कनेक्टेड होते हैं और ये थोड़े शाई नेचर के होते हैं रिस्क लेना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है थोड़े से लेजी भी होते हैं जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे वैसे टाइप के रहते हैं ठीक है चीके? इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था जब मैं पढ़ा रही थी टाइप्स ऑफ ऑन नहीं देखा है प्लीज़ आके वो वीडियो देख लीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ये बोलता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बोथ आर इंटर रिलेटेड एक्सप्लेन इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों इंटर रिलेटेड है एक्सप्लेन कीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था रिमेंबर पेन का जिसे इरेज किया जा सकता है बिल्कुल रब उसकी तरह पेंसिल की तरह काम करता है वो उसमें मैंने क्या बोला था कि मैंने एक पेन के बारे में सोचा है जो इरेज किया जा सकता है तो दिस वॉज माई क्रिएटिविटी सोचना और फिर मैंने वो पेन बना दिया मतलब मैंने इंप्लीमेंट कर दिया उस चीज़ को ये क्या हुआ मेरा इनोवेशन हुआ तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैंड इन हैंड चलता है मैंने वो डायलॉग वहाँ पे भी बोला था यहाँ पे भी बोल रही हूँ सेम चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है सो दे से यस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बोथ आर रिलेटेड देर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज फाउंड अमंग मोस्ट ऑफ दिनोर दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके okay, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि किपिन के अंदर पाई जाती हैं दे आर गाइडेड बाय सच वैल्यूज व्हेन दे कम आउट विद क्रिएटिव आइडियाज न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस एक्सेट्रा टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू सी न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इनोवेटिवनेस इज द एबिलिटी टू मेक इट वर्क इन प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल अर्ली हेयर ऑयल वज अवेलेबल ओनली इन इन एन इंट्रोड्यूसिंग इन प्लास्टिक स्मॉल पैक्स हैज़ बिकम कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स टू कैरी एंड यूज इनोवेटिवनेस कैन बी सीन थ्रू एक्शन सजेस्ट ओके सो बेसिकली इन्होंने बेसिकलीग्जाम्पल वही से वही दे दिया है कि पहले जो ऑयल होता था वो टिन्स में आता था लेकिन अब उससे सैशेज में प्लास्टिक के सैशेज में आना शुरू कर दिया है तो ये क्या है क्रिएटिव माइंड्स ने सोचा कि हाँ सैशेज में लाते हैं और फिर उसको एक्चुअली वो कन्वर्ट करते हैं तो वो इनोवेटिवनेस हो गई तो इनोवेटिवनेस बेसिकली एक्शन से रिलेटेड होती है जैसे कि सैशर मार्केट में स्मॉल सैशेज लाना एक्सपेरिमेंट करना न्यू आइडियाज़ के साथ जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ले आना प्लास्टिक मनी की कॉन्सेप्ट ले आना नहीं डरना अनसर्टेनिटी से अपसेट नहीं होना अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती एरर्स आ जाते हैं तो सारे पॉइंट्स पड़े हुए हमने नहीं भाई ठीक है डन यहां तक नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिटवीन एंड ऑन्टेनोर ये आया है एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आराम से आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरपिनोर और ऑन्ट्रपेनोर के बीच का डिफरेंस बताइए हमने ऑन्ट्रपेनोर और एम्प्लॉय का डिफरेंस तो पढ़ा था लेकिन हमने इंटरपिनोर और ऑन्ट्रपिन का डिफरेंस नहीं पढ़ा था तो ये आई तुम्हारे पास एक सीखने लायक चीज देखते हैं इसका आंसर क्या है ओके okay, सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन है तो टेबल फॉर्मेट मैट में जाएगा ये हो गई हमारी टेबल यहाँ हम बेसिस लिख रहे हैं पहले ऑनट्रबिनोर को एक्सप्लेन करेंगे फिर एंट्रबिनोर को एक्सप्लेन करेंगे सो so, सबसे पहला जो हमारा बेसिस है वो है मीनिंग दोनों का मतलब क्या होता है तो ऑनटिनोर का मतलब होता है एन ऑनट्रबिनोर इज एन इनोवेटर जनरेटर ऑफ वेल्थ एंड जॉब रिस्क टेकर एंड एक्सीलेंस सीकर जो गोल ओरिएंटेड, अप्रिशिएट्स क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्वर एंड हैज क्रिएटिविटी सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है आप लोगों के लिए कौन होता है इनोवेटर होता है कुछ ना कुछ नया लेके आता है एग्जिस्टेंस में वेदर इट कैन बी अ प्रोडक्ट अ सर्विस अ मेथड प्रोसेस मार्केट एनीथिंग राइट वेयर एज एंट्रप्रेनोर कौन होता है वो एक लार्ज फॉर्म के साथ काम कर रहा होता है सारी ऑनट्रप्रनोरियल स्किल्स को इस्तेमाल करता है और बस रिस्क नहीं लेता है रिस्क होता है मेन बॉस का बाकी जो काम सारे ये करता है ऑन्टरप्रनोर वो सारे काम ये यहाँ पे एक लार्ज फॉर्म के अंदर रह के कर रहा होता है ठीक है सो ही इज बेसिकली एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग एज एन ऑन्ट्रपिन मोटिव द मोटिव ऑफ ऑन्ट्रपिन इज टू स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर हिज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन जो ऑन्ट्रपिनोर होता है उसका मोटिव ये होता है कि उसको अपना खुद का बिजनेस सेट करना है उसको अपना खुद का एंटरप्राइज सेट करना है ठीक है किस लिए करना है पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए करना है ज एन एंटरप्रनोर मेन मोटिव इज टू टर्न दैट स्पेशल आइडियाबल वेंचर फॉर द कंपनी इसका मेन मोटिव होता है कि वो वो आइडिया जिसपे काम कर रहा है उसको एक प्रोफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट करे कंपनी के लिए वट एवर ही इज डूइंगी इज डूंग फॉर हिमसेल्फ वेर इज वट एवर ही इज डूइंगी इज डूइंग फॉर द कंपनी ठीक है फिर एजेस की बात तो ऑनट्रप्रोर इज ऑनर ऑफ़ द एंटरप्राइज ऑनटरप्रनोर कौन होता है ऑनर होता है वेर इज ये क्या होता है ये एम्प्लॉय होता है ये एम्प्लॉय होता है इंटरपिनोर आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ऑनटरपिनोर एक्सेप्टेंस ये बॉस के एक्सेप्टेंस के ऊपर इनका हर एक चीज आधारित होता है डिपेंडेंट होता है डिपेंडेंसी एन ऑनटरपिनोर इज इंडिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि खुद का इसका वेंचर है जबकि इसमें ऐसा नहीं है ये डिपेंडेंट uh, होते हैं दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट यहाँ पे यू कैन राइट इंटरप्रनोर इज बेसिकली एन एम्प्लॉय ठीक है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोनों में सेम पॉइंट एम्प्लॉय लिख देना यहाँ पे ओके okay? चलिए नेक्स्ट है हमारा रेजिंग ऑफ फंड्स ऑन्ट्रप्रोर कहाँ से रेज करता है फंड्स एन ऑनट्रपिनोर रेजेस फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइज डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके एंटरप्राइज के लिए खुद से ऑन्टर फंड्स रेज करता है मतलब खुद पूरी मेहनत करता है मुशक्कत करता है वेयर एज यहाँ पे इसको फंड्स रेज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये कंपनी के लिए काम कर रहा है तो कंपनी वाले फंड्स रेज करेंगे कंपनी वाले से फंड्स देंगे तो इसका खुद की कोई रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है फंड्स को लेकर रिस्क की बात करें तो ये ऑनर है तो ये सारे रिस्क अज्यूम करता है सारी अनसर्टेनिटी को खुद से वो करता है वायरस ये जो है ये दूसरों के ऊपर वो आधारित होता है मतलब दूसरों के अंडर काम कर रहा है तो रिस्क जो होगा वो कौन बैर करेगा कंपनी बैर करेगी ऑपरेशन की बात करें एन ऑपरेट्स फ्रॉम आउटसाइड एन ऑपरेट्स फ्रॉम फ्राम द ऑर्गेनाइजेशन ऑनटरपिन बाहर से ऑपरेट करता है वैरस ये अंदर से ऑपरेट करता है कहने का मतलब ये ये तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ये उसके लिए काम करता है वैरस ये तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही कर रहा है तो जो फॉर्म करता है वो तो बाहर रहता है ना आपको मौका दे देती हूँ स्क्रीन शॉट लेने का मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट -फड़. ये फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा ध्यान दीजिएगा ये कॉन्टेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया है पूरे चैप्टर में क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हमने नहीं पढ़ा एंटनौर और एंटनौर का तो कॉन्टेंट लिख लो कहीं पे या फिर स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है मोटिव से रेजिंग ऑफ फंड रिस्क ऑपरेशन डन ना लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑनटरपिनियल कॉम्पिटेंसीज आपको ये सारी ऑंटरपिनोरियल कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करना है ठीक है कौन से वाली को जो हमने पढ़ी थी नहीं क्वेश्चन में ही दी हुई है उन्होंने तो क्वेश्चन में एक एक करके साथ में आएगी। आएंगे फर्स्ट वॉज परसिस्टेंस परसिस्टेंस को एक्सप्लेन कीजिए

समय लग जाएगा या शायद हो सकता तो okay, so है तुम सक्सेस अचीव कर ही ना पाओ तो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू बी परसिस्टेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओके सो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यू विद द कोर्स ऑफ एक्शन डिस्पाइट ऑफस्टिकल एंड डिफिकल्टीज ही मस्ट परसिस्ट विद बिहेवियरल स्किल्स इवन वेन द फेलियर इज वायबल एज अ क्वालिटी सक्सेसफुल ऑनट्रपिनोर्स आर एंड परसिस्टेंट इन देयर मैच टुवर्ड्स एक्सीलेंस ठीक है एग्जाम्पल लिखा हुआ है महिमा मेहता का, मेहरा का हाथी छाप वाला वो था ये अगर केस स्टडी आपने नहीं पढ़ी है तो इसकी वीडियो बनी हुई है आप केस स्टडी पढ़ लेना ठीक है और मिक्सर uh, वाला एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आप, आपको बता चुकी हूँ आपको स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट है लीडरशिप एक ऑन्ट्रप्रोर जो होता है उसके अंदर ये एक कॉम्पिडेंसी होनी चाहिए कि वो दूसरों को लीड कर सके दूसरों के आगे चल के उन्हें बोल सके फॉलो मी मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ मैं तुम्हें लीड करूंगा

को हमेशा हर एक चीज प्लान वे में करनी चाहिए ऐसे ही रैंडम डिसीजन नहीं लेने चाहिए पहले से ही हर एक चीज जो भी करने के बारे में सोचा है उसे प्लान कर लो अच्छे से इफेक्टिवली ताकि अगर चीजें एग्जैक्ट वे में भी नहीं बैठे तो भी थोड़ा बहुत तो मतलब उस वे में बैठ जाए उन्नीस बीस हो जाए थोड़ा बहुत तो चीजें हमारे अकॉर्डिंग चले ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बट बिफोर दैट टेक स्क्रीन ऑफ दिस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नेक्स्ट है हमारा वाई सिस्टमैटिक प्लानिंग अ मस्त फॉर एन ऑन्ट्रपनोर सिस्टमैटिक प्लानिंग क्यों मस्त है ऑन्ट्रपेनोर के लिए अब भी जस्ट हमने इसके बारे में बात करी है थर्ड uh, पॉइंट में और वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें दोबारा से बतानी है ये बोल रहे हैं ऑन्ट्रपनोर क्यों सिस्टमैटिक प्लानिंग करे बताओ सो दिस इज़ द आंसर

इट विल ऑल्सो हेल्प दंट्रपिन टू केयरफुल मॉनिटर हिज और हर बिजनेस एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं अचीव करना और जो एक्चुअली हम अचीव कर रहे हैं उनके बीच में कंपेरिजन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बिजनेस मैन के लिए अगर हमारे पास ब्लू प्रिंट ऑलरेडी तैयार होता है तो

नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट और ये बोलता है डिफाइन बिजनेस एथिक्स व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू एन ऑनटरप्रनोर आपको बिजनेस एथिक्स को डिफाइन करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ऑनटरप्रनोर के लिए क्यों वो चीज जरूरी होती है मैंने आपको ये प्रॉपरली समझाया था और मैंने आपको बोला भी था कि इसकी ना राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना रीज़न बिंग हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं लेकिन हमें लिखना नहीं आता है तो यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा का समय आ चुका है जहाँ पे वो तुमसे पूछा जा रहा है कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है डिफाइन कीजिए यू कैन टेक एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट या फिर एग्जाम्पल नहीं लेना डायरेक्ट डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख दो लेकिन ये इंश्योर करना तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ठीक है और आपको ये भी बताना है कि ऑनटरप्रोर के लिए क्यों ज़रूरी है दो क्वेश्चन है यहाँ पे और हाँ एक और टिप तुम्हें बोल दूँ बता दूँ जब भी राइटिंग वाला आंसर आता है मतलब एक सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आता है उसमें ना तुम्हें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए एक बार ठीक है यहाँ देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन से मिल बना हुआ है अगर ये क्वेश्चन चार नंबर का है ना और ऐसे दो आए हैं तो मतलब दो नंबर इस क्वेश्चन के मिलेंगे दो नंबर इस क्वेश्चन के मिलेंगे जनरली ऐसा होता है नॉट ऑलवेज लेकिन जनरली ऐसा होता है ठीक है तो तुम्हें उसका आंसर अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा कि ये दो नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा दो नंबर का इसमें लिखना पड़ेगा यू कॉन्ट बी लाइक पहले वाले में तुमने भर भर के लिख दिया और लास्ट वाले में तुमने सिर्फ एक लाइन लिखी कि मतलब बिजनेस एथिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए तुमने एग्जाम्पल भी लिख दिया डेफिनेशन भी लिख दी और दो चार लाइन डाल दी और उधर से इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एक लाइन लिखी दैट्स इट तो ऐसे में तुम्हें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा कंटेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि तुमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लगा दिया लेकिन एट द सेम टाइम मार्क्स की जब बात आएगी तो वो दो ही नंबर का था तो उसमें वो कोई भी इंसान तुम्हें तीन नंबर नहीं दे पाएगा ठीक है और यहाँ वाले में तुम्हारा एक नंबर बिना मतलब कि कट जाएगा जस बिकॉज तुमने पूरा नहीं लिखा ओके तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करना जितना कंटेंट किसी भी उसमें लगे उतना लिखना ठीक है जस्टिफाई करना मतलब सब कुछ उसको बिजनेस एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन ऑफ हाउ पीपल एंड इंस्टीट्यूशन शुड बिहेव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स ये बोल रहे हैं बिजनेस एथिक्स बेसिकली वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन है लोगों लोग कैसे बिहेव करते हैं इंस्टीट्यूशंस कैसे बिहेव करते हैं कॉमर्स वाले वर्ल्ड में मतलब बेसिकली उनका आचार देखना कि वो कर क्या रहे हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस बिहेवियर दैट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड द गुड बट मैं बोलूँगी कि मुझे ये डेफिनेशन इतनी खास लगी नहीं ठीक है अगेन मैंने बोला ना आपको कि डेफिनेशन तो कितनी भी हो सकती है लेकिन एक ऐसी डेफिनेशन जो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन कर पाए वैसा कुछ लिखना है आपने तो आई एम नॉट सो सेटिस्फाइड विद दिस डेफिनेशन सो बेटर है तुम खुद से अटैम्प्ट करो ठीक है और कमेंट सेक्शन में मुझे बिजनेस एथिक्स की प्यारी सी तीन लाइनों की मतलब कमेंट्स के अकॉर्डिंग तीन लाइनों की डेफिनेशन लिख के बताओ प्यारी सी ठीक है और जिसने भी लिखी उसको वर्चुअल चॉकलेट्स मिलेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी बता दूँ वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया अंत सारी चीज़ें अगर सोसाइटी से ले रहा है सब कुछ डील सोसाइटी से कर रहा है कस्टमर उसके सोसाइटी में वो हैं रहते हैं लेकिन दैट सिनारी उसका फ़र्ज़ बनता है ना कि भैया थोड़ा तो एथिकल चले मतलब गलत और सही में फ़र्क करना जाने गलत कर कर के लोगों को लूट लूट के अपना बिजनेस कभी नहीं बना पाएगा ठीक है तो सही और गलत की पहचान होनी चाहिए और गलत चीज को इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए या शुरू ही नहीं करना चाहिए और सही चीज का साथ देना चाहिए एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑंटरपेनोर्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको अलग अलग तरह के ऑन्ट्रप्रनोर्स के बारे में बताना है यहां पे ध्यान दीजिएगा यहाँ नेम नहीं लिखा है दे हैवेंट रिटन नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस नहीं दे हैव रिटन एक्सप्लेन मतलब आपको नाम भी लिखना है उनका और साथ ही साथ उन्हें एक्सप्लेन भी करना है अगर सिर्फ नेम लिखा होता तो आप सिर्फ नाम नाम मेंशन कर देते और आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाते ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आई एम सेइंग कि भैया ऐसे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि नेम करो बस जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना एक नंबर की दो नंबर के उसमें यूजुअली वो नेम करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है क्योंकि टाइम वेस्टेज हो जाएगी लेकिन ऐसे जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं इन कंपेरिजन टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक है और एक्सप्लेन कितना करना है मतलब थोड़ा सा करना है ज़्यादा करना है बहुत ज़्यादा करना है बहुत ज़्यादा करना है ये डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है अगर वो दो नंबर का है तो आप हल्का से एक्सप्लेन करेंगे तीन नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे छः नंबर का है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ठीक है ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको याद रखनी चाहिए देखें कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारी पढ़ा ही चुकी हूँ ठीक है आपको सारे टॉपिक्स पता हैं किसके अंदर क्या लिखना है किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बट मेन चीज़ जो आती है जो आपको किसी और से डिफ डिफरेंट बनाती है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को जिसने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उसको डिफरेंट बनाती है उन लोगों से जो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते थे जो इक्वली इंटेलिजेंट थे लेकिन उन्होंने राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी तो बस यही एक चीज़ है इकलौती जो मतलब डिफ्रेंसीशन क्रिएट करती है तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो राइटिंग टिप्स हैं आप लोगों के लिए आप पेपर से पहले हमेशा पूछते हैं मैम राइटिंग टिप्स दीजिए राइटिंग टिप्स दीजिए तो बेटा ये राइटिंग टिप्स जो मैं एक्सरसाइजेज़ में देती हूँ ना इनको फॉलो करो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू लास्ट मिनट में दस मिनट की एक वीडियो बना दें कोई मतलब नहीं बनता चले अब यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एक है टेक्निकल ऑन्टरप्रेनोर्स दूसरे है नॉन टेक्निकल ऑन्टपेनोर्स ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं उसमें अपना कुछ ना कुछ नया ला के लेके आते हैं और ये जो उससे हट के लोग होते हैं जो उस फील्ड में नहीं होते वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं दैट्स द ओनली डिफरेंस और ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाई हुई है ये देख लीजिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल ऑन्ट्रप्रोर्स आर टेक्निकल बाय नेचर इन द सेंस ऑफ हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड इम्प्रूवड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ देयर ओन नॉलेज स्किल एंड स्पेशलाइजेशन आर कॉल्ड अ टेक्निकल ऑन्ट्रप्रोर दे आर एजेंशली कंपेयर टू क्राफ्ट्समैन हु कॉन्सनट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन देन मार्केटिंग ये बेसिकली क्राफ्ट के ऊपर होती हैं जो प्रोडक्शन Uh, पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ़ मार्केटिंग वेर एज ये लोग क्या होते हैं ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस करते हैं इनका मेन मोटिव होता है सेल करो बेचो नॉन टेक्निकल ऑन्टरप्रनोर्स दोज हु आर मेनली कंसर्न विद डेवलपिंग आल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट देयर बिजनेस मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए दे आर नॉट कंसर्ड विद द टेक्निकल आस्पेक्ट ये टेक्निकल आस्पेक्ट से कनेक्टेड नहीं होते क्योंकि वो वाले तो टेक्निकल ऑन्ट्रप्रनोर्स होते हैं ठीक है दे आर डीलिंग विद ओके दैट्स चलो सो टेक्निकल एस्पेक्ट से डील करते हैं नहीं करते हैं ये लोग ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस के ये प्रोडक्ट पे ना फोकस करके प्रोडक्शन पे ना फोकस करके मार्केटिंग और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं ठीक है ये दो तीन डिफरेंसेस हैं अच्छा हाँ अगर तुम्हें ये लिखना था ना आंसर तो तुम ऐसे भी कर सकते थे यहीं पर एक्सप्लेशन लिख देते ठीक है या फिर एक टेबल बना के दोनों को ऐसे एक्सप्लेन कर देते हो वो भी सही रहता वो भी डिफरेंस बिटवीन का भी फील दे देता और प्रॉपर आंसर भी हो जाता कि तुमने दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए जैसे भी आपको करना हो वैसा आप उस वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं ओके क्वेश्चन टेंथ है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑन्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन अब मेरे को लगता है ना लाइन से ही टाइप्स ऑफ ऑन्टप्रेनोर्स आएंगे क्योंकि इतने सारे टाइप्स थे ऑन्टप्रेनोर्स के अब आपको यहाँ पे ऑन्टरप्रेनोर्स को बाइफिकेट करना है मोटिवेशन के बेसिस पे रिमेंबर हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे मोटिवेशन के बेसिस पे याद है कुछ नहीं याद है तो वीडियोस देखो भैया क्या कर रहे हो हमने तीन टाइप्स पढ़े थे फर्स्ट था स्पॉन्टेनियस ऑनटरप्रनोर्स फिर था इंड्यूस फिर था मोटिवेटेड ऑंटरप्रनोर्स तीनों ही मोटिवेशन के बेसिस पे बाइफकेटेड टाइप्स होते हैं ऑन्टरप्रेनोर्स के और इनके एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं लाइक like, स्पॉन्टेनियस में दे हैव रिटन दीज आर ऑल्सो नो एज ऑन दे आर ऑल्सो नोन एज देश ऑन्टोर दे आर मोटिवेटेड बाई द डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट टू अचीव और प्रूफ देर एक्सेलेंस इन द जॉब परफॉर्मेंस दे अंडरटेक ऑन्टरप्रनोरल एक्टिविटीज मतलब कुछ भी इसमें ना नया नहीं लिखा हुआ जो मैंने आपको टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया था ना वही सब लिखा हुआ है ठीक है तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ क्योंकि बार बार सेम चीज़ पढ़ाने का सेंस नहीं बनता आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा क्या क्या पॉइंट्स थे बट एक चीज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि आपको स्क्रीन शॉट लेने का समय दे रही हूँ मैं थोड़ा सा साइड करी हूँ आप फटो फट्स स्क्रीन ले लो इसका उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं ये इंड्यूस है एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है जो कि बुक में लिखी हुई थी बट आप चाहें तो आप अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं इफ़ यू टू इंक्लूड द एग्जाम्पल्स तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो बट ये देख लेना कि छोटे मोटे क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जाम्प में मत फंसना दो नंबर का क्वेश्चन है तीन नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें अगर तुम एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा ही फंस जाओगे और तीन तीन अलग अलग, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब तीन एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा तुम्हारा आंसर और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बट यही अगर ये क्वेश्चन छः नंबर में आ जाता है तो एग्जाम्पल लिखना मस्त है मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड करना है एग्जाम्पल कितना लेंदी लिखना है और एग्जाम्पल देना भी है कि नहीं देना ओके चलिए दिस वन इज़ द लास्ट वन मोटिवेटेड अब नेक्स्ट है इसमें वॉट आर ऑन्ट्रपनोरियल वैल्यूज़ शो बाय डायग्राम चलिए बहुत बढ़िया एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ था एग्जैक्ट सेम यहाँ पे आपको चिपकाना है कोर वैल्यूज वाला जो डायग्राम था इसे ट्राइंगर उसके अंदर सर्कल वो डायलॉग आपको यहाँ पे लिखना मतलब बनाना है एंड एट द सेम टाइम आपको ऑन्ट्रपनोरियल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना है मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एग्जाम्पल की मदद से उसे एक्सप्लेन करो बट अगर आपको लगता है कि आप डेफिनेशन बहुत अच्छी लिख सकते हो विदाउट एनी एग्जाम्पल तो वो भी कर सकते हो ओके चलिए so it says in a civilized society some qualities like honesty truthfulness cooperation integrity etc as important for happy and healthy living they are a set of beliefs or ideas that provide standards which guide behavior such guiding principles established in a cultured society are called values they provide us the direction in our life and helps us achieve our potential entrepreneurs share some of these qualities that guide and direct them and hence they have come to be called as entrepreneurial values Ek cheez जिस तरीके से ये आंसर प्रेजेंट किया गया ना कोई भी एग्जामिनर खुश नहीं होगा अगर मुझे ये आंसर एज अ इज वे में लिखा हुआ दिखता इंस्टेड ऑफ़ फोकसिंग ऑन द कॉन्टेंट ना मैं इसकी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही होती रीजन बिंग वही आ रही है मतलब वही बहुत ज़्यादा उचक के आ रही है ठीक है पहली बात तो इतना बड़ा पैराग्राफ तुम्हें लिखना ही नहीं है कभी भी आंसर में इतना बड़ा पैराग्राफ मत लिखना इनको पार्ट्स में डिवाइड करो जैसे यहाँ पे ऑनस वैल्यूज ये आ गया कॉल्ड कॉल दिस यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दो इसको नेक्स्ट पैराग्राफ करो कायदे से और इवन फॉर दैट मैटर ये भी पूरा एक पैराग्राफ पर नहीं आना चाहिए जब तुम इसे नोटबुक में लिखने बैठोगे ना ये काफ़ी बड़ा लगेगा यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा छोटा दिख रहा है नोटबुक में जब हम पेन से लिखते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाता है अनलेस एंड ना आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़ी वाली हो ठीक है मैं अगर लिखती तो मेरे को तो अच्छी खासी सात आठ लाइनों में आता है ये तो ऐसे में इनको भी दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहा तो टोटल ये जितना इस कॉन्टेंट में उस इस पे पर लिखा हुआ है स्लाइड पर लिखा हुआ ना ये तीन पैराग्राफ्स में आना चाहिए तभी एक अच्छा आंसर माना जाए मतलब अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर माना जाएगा ठीक है तभी सामने वाला पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ देखने के यहाँ पे एक ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ पे एक ख़त्म हो जाना चाहिए और यहाँ से तीसरा शुरू हो जाएगा ऐसे देख लो एक बार स्क्रीन ले लो जहाँ जहाँ मैंने पैराग्राफ्स को काटना बताया वैल्यूज़ पे फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाएगा दे से सेकंड सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा वैल्यूज़ पे सेकेंड पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा और दे से थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा ऐसे होगा तुम्हारा आंसर बाकी ऑनट्रपनोरियल वैल्यूज़ मैंने पढ़ाई हुई हैं नहीं देखी है वीडियो फट से जाके देखो ठीक है चलो नेक्स्ट है दिस डायग्राम शोज दैट अ पर्सन डेवलप सर्टेन कोर वैल्यूज एस रिजल्ट ऑफ एन एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स द पर्सनालिटी फैक्टर्स एंड एक्शन फैक्टर्स अ स्टडी ऑफ सच कोर वैल्यूज रिवील दैट सेट ऑफ फोर वैल्यूज आर बाउंड टू बी प्रोमिनेंट अमंग ऑनप्रनर्स दे आर चार वैल्यूज उन्होंने फिर आगे बताई हुई हैं ये हैं आपकी कोर वैल्यूज ये चार हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और ये एक ट्राइंगर फिगर बनाई हुई है एंड हर एक चीज़ एक दूसरे से एसोसिएटेड है दिस इज द सेम डायग्राम जो आपके बुक में लिखा हुआ था कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाले वो नहीं थे और चार चीज़ें इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंस और ऑनरशिप वेज फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट रिस्पेक्ट फॉर वर्क ये चारों मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए थे देखिए अगर तीन नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ये ज़्यादा है ठीक है तीन नंबर के क्वेश्चन में हम इतनी मेहनत नहीं करते हाँ चार या पांच नंबर का हुआ होता तो फिर हम इतना लिख सकते थे तो तीन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं थोड़ा बहुत इसे मतलब यहां पर अपना आंसर खत्म कर देते डाट सर कोई और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं थी माइड भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि मैम चलो ठीक है मतलब आप सही बोल रहे हो कि इसमें इतना आंसर लिखा जाता है लेकिन तीन नंबर में अगर हम ज़्यादा आंसर भी लिखना चाह रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है लाइक like, अगर इतना आंसर एक्सपेक्टेड होगा सामने वाले को और हम इतना लिखना है तीन नंबर में तो क्या प्रॉब्लम है बेटर तो मतलब हर किसी को पसंद ही आता ना तो मैं आपको उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न बता दूँ जो एग्जामिनर है ना वो एक नोटबुक नहीं चेक करता मतलब एक आंसर शीट नहीं चेक करता उसके पास सौ दो सौ आंसर शीट्स आती हैं मतलब उसको एक ही काम बार, बार 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 करना है और जब आपको एक ही काम बार बार करवाया जाए दैट टू तो बहुत बार करवाया जाए तो उस टाइम पे ना आपको फ्रस्टेशन होने लगती है ठीक है और आपका मन नहीं करता फिर वो काम करने का और एंड एंड के उसमें ना आप फिर उड़ाते हो मतलब हवा में उड़ाते हो उस टाइम पे एग्जामिनर को चाहिए होता है कि आप शॉर्ट में लिखो कंसाइज में लिखो बात कंप्लीट करो दैट सेट उनको लंबा लंबा पढ़ना नहीं पसंद आता और अगर उनको लंबे लंबे आंसर दिखेंगे ना तो वो इरीटेट होंगे और वो इरीटेट हुए मतलब तुम्हारे मार्क्स गए कोई इंसान जो तुम्हें मार्क्स देने वाला है अगर वही इरीटेट हो जाएगा तुम्हारे आंसर से क्या तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे एंड सेकेंडली जब तुम एक्स्ट्रा आंसर लिखते हो जो रिक्वायर्ड भी नहीं होता उसमें तुम्हारा टाइम जा रहा है तुम्हारी एनर्जी जा रही है वो टाइम जो शायद तुम दूसरे क्वेश्चन पर लगा सकते थे और उनको बेहतर तरीके से लिख सकते थे थियोरी एग्जाम में तो वैसे ही टाइम की शॉर्टेज होती है जिन आंसर्स को तुम अच्छे तरीके से लिख सकते थे उन्होंने उनको भी तुमने अच्छे से नहीं लिखा जस्ट बिकॉज यू वर ओवर राइटिंग फॉर दीज लाइक क्वेश्चन ओवर राइटिंग नहीं बोलेंगे वैसे मतलब यू वर राइटिंग मोर देन विच वज़ रिक्वायर्ड ठीक है और तीसरा क्यों अपने एफ़र्ट्स वेस्ट करने क्यों मतलब जब कंसाइज में बात हो सकती है तो क्यों ओवर एक्सप्लेन करना तुम्हें फालतु में तो इसलिए नहीं करना है वो चीज़ इन सब चीज़ों को मतलब ये सारी चीज़ें ना वैसे तो बताने वाली होती नहीं है लेकिन गलतियाँ यहीं करते हैं स्टूडेंट्स सो so, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप लोग ओके बिजनेस स्टडीज़ में भी सेम फार्मूला अपनाना है आपको और यहाँ पर भी आपको सेम ही फॉर्मूला अपनाना है बिकॉज दोनों ही थेरी सब्जेक्ट्स हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स रिक्वायर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एक्सप्लेन द एस्टीम नीड्स इन द मैसलो हरारकी ऑफ नीड्स थ्योरी मैंने आपको दो मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ाई थी मैकलैंड की और हमारे मैस्लो भाई साहब की अब्राहम मैस्लो भाई साहब की तो यहाँ पे अब मोटिवेशनल थ्योरी में से आपसे पूछा गया है कि मैस्लो नीड हरार थ्योरी जो थी या है उसमें ह्यूमन बींग्स रिक्वायर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एक पर्सपेक्टिव है उसका क्या मतलब है उसको एक्सप्लेन कीजिए इसके लिए तो सबसे पहले आपको थ्योरी याद होनी चाहिए थ्योरी में कितने लेवल्स थे वो याद होने चाहिए कितने लेवल्स में क्या बात की हुई है वो याद होना चाहिए याद है एक ट्रायंगुलर फिगर बनाया था अपन लोगों ने मैंने बहुत ही आराम से आपको एक पिक्चर्स की प्रेजेंटेशन से सिखाया था पूरा सो so, ऐसे एक वो बनता है ट्राइंगर फिगर जिसमें पहले आती है हमारी फिजोलॉजिकल नीड्स रोटी कपड़ा और मकान फिर अब आती हैं हमारी सिक्योरिटी नीड्स ठीक है needs, फिर आती हैं हमारी रिकोगशन वाली या फिर वी कैन से बिलोंगिंगनेस वाली नीड ठीक है उसके बाद आती है हमारी सेल्फ इस्टीम वाली नीड और उसके बाद आती है हमारी सेल्फ एक्चुलाइजेशन वाली नीड्स सो so, इस तरह से चीज़ें मूव करते हैं एस्टीम नीड्स इंक्लूड डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ इस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स जब हम चाहते हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट करें हमारे हमारी अहदे की रिस्पेक्ट करें तो ये वाली चीज़ ये वाली जो हमारी नीड होती है वो सेटिसफाई हो रही होती है और इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैं रिपेट नहीं करने वाली हूँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस चैप्टर में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अगर मैंने रिपीट करना शुरू कर दिया ना ये वीडियो ही चार पाँच घंटे की बन जाएगी और एक्सरसाइज वाली वीडियो तो देखने में पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉलेट स्टॉक वर्क क्वेश्चन नंबर 13. एच इज़ हाउ कॉम्पिटेंसी इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हेल्प्स एंड ऑन्टोर मीट द चैलेंजेज ऑफ अ सिचुएशन कैसे कॉम्पिटेंसी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में मदद करती है ऑन्टप्रेनोर्स की चैलेंजेस मीट करने में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मतलब बेसिकली ऑनट्रपिनोर्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी हमने राइट right? उसमें एक थी क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो इस वाली कॉम्पिटेंसी से कैसे जो सोसाइटी में चैलेंजेस होते हैं उनको ऑन्ट्रप्रनोर दूर करता है बताइए बोलिए सारी की सारी कॉम्पिटेंसेस पढ़ के जानी है रीजन बीइंग ये डायरेक्टली किसी भी कॉम्पिटेंसी को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे इन्होंने यहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को उठाया है और याद है क्रिएटिविटी और इनोवेशन एक प्रैक्टिकल चीज है एक थेरेटिकल चीज है एक में दिमाग लगता है दूसरे में एग्जीक्यूशन होना चाहिए रिमेंबर ओके सो It says, creativity is the merging of ideas which have not been merged before. New ideas uh, are formed by developing current ones within our minds. It is ranked by the ability to create, bring into existence, to invent a new form of pr produce through imaginative skills, something new. It is the ability to generate new ideas by combining changes or reapplying existing ideas, and innovation means doing something new or significant different. ओके सो क्रिएटिविटी इज बेसिकली कुछ नया सोचना ठीक है कुछ नया करना कुछ नया प्रोडक्ट uh, uh, हो सकता है सर्विस हो सकती है मेथड हो सकता है कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ नया ला रहे हो आप और वहीं पे अगर वो चीज़ आप एग्जैक्टली exactly ले आते हो तो वो क्या बन जाती है वो बन जाती है आपकी इनोवेशन तो क्रिएटिविटी इज़ मोर लाइक मेंटल वर्क वेर एज इनोवेशन इज मोर लाइक द एग्जीक्यूशन वर्क ओके अंडरस्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन मतलब से मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूं मैं आपको बता दूँ जो आंसर्स हैं ठीक है थीके? अगर आपको, चाहिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो आपको एक लेवल इनसे बेटर आंसर्स लिखने पड़ेंगे चलिए आगे का ये लिखा हुआ है यहां पर आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पूरा पार्ट हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल्स चलिए फोर्टींथ क्वेश्चन है डू यू थिंक इंटरप्रनोर इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट योर आंसर विद स्ट्रॉन्ग रीजन वट डू यू थिंक इंटरप्रोरशिप जरूरी होती है क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग आंसर से आपको बताना है इसका बताइए चलिए बताइए क्या क्या रीजन हो सकते हैं इंटरप्रनोरशिप को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के यहाँ पे आप चाहें तो वो गूगल वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं

विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए उसको आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा उसको वो सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा जो शायद वो अपने खुद के पैसे से नहीं कर सकता था या उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकता था और आपको अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिससे आप पैसा कमा सकते हो सेकेंड इट डिस्क्राइब्स ईजिएस्ट वे ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ तुमने क्रिएटिव माइंड डेवलप किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि एक नया प्रोडक्ट और सर्विस भी डेवलप की है जो माइंड भी तुम्हें आगे चल के बहुत प्रॉफिट जनरेट करके दे बहुत रिवेन्यू जनरेट करके दे देटरप्रिनोर न्यू वे थिंकिंग मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरप्रिनरशिप बेसिकली एक नया वे है थिंकिंग का अच्छा सुनो एक ना चीज़ ध्यान रखना इन्होंने जिस वे से एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे कहीं जगह इंट्रिनोरशिप आना चाहिए था जैसे लाइक दे आर सेइंग इट इज़ द बेस्ट वे तो इंटरपिनोर बेस्ट वे नहीं है इंथपिनोरशिप बेस्ट वे है ठीक है तो थोड़ा बहुत ऐसे इन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं वो आपको ध्यान रखनी है हमेशा याद रखना ऑन्थपिनोर इंसान है ऑन्टपिनोरशिप उसका वो प्रोसेस है जिससे वो एंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में लाने वाला है इंटरप्रनोर इंसान है और इंटरप्रनोरशिप उसकी वो प्रोसेस है जिससे वो कोई नया प्रोडक्ट या डेवलपमेंट या फिर सर्विस डेवलप करने वाला है ठीक है सो हमेशा याद रखना एक इंसान के बारे में बात हो रही है एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है अगर इंसान के बारे में बात हो रही है तो इट इट करके नहीं लिखेंगे हम और अगर प्रोसेस के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आप गलत लिख रहे हो ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अब ये क्या बोलता है लेट्स सी

दो चीजें दी हुई हैं उन दोनों की लाइट मतलब दो चीजें दी हुई हैं उन दोनों की डिफरेंसेस बता रहे हैं बेसिकली किस किसके एम्प्लॉय के और ऑनटरपिन के और एक उन्होंने रेफरेंस के लिए लाइन भी दी हुई है मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से

अब पंकज सर भी मैग्नेट ब्रेन्स के लिए काम करें मैं भी मैग्नेट ब्रेन्स के लिए काम कर रही हूँ पंकज सर एज एन ऑनर काम कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के लिए वेरज आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉय तो बात इतनी सी है दोनों एंटरप्राइज के ही हक के बात करेंगे उसी के इंटरेस्ट की बात करेंगे या काम करेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट उहदे पे बैठ के यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं टेबले फॉर्मेट में पहले बेसिस लिखे हुए हैं फिर ऑन फिर एम्प्लॉय फर्स्ट है मीनिंग मीनिंग हमें पता है ऑन क्या होता है इनोवेटर होता है जनरेटर होता है जॉब का वेल्थ रिस्क टेकर एंड एक्सीलेंस सीकर गोल ओरिएंटेड अप्रिशिएट्स क्वालिटी और परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्वर क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बढ़िया सा वैल्यू का बनाता है जबकि एम्प्लॉय की बात करें एम्प्लॉय जनरली इंक्लूड एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म सर्विसेज टू एन एंटरप्राइज और अदर पर्सन एम्प्लॉयर ऑन रेगुलर बेसिस इन एक्सचेंज फॉर कॉम्पनसेशन मे बी ऑन काइंड और कैश ये इंसान दूसरे के लिए काम करता है और बदले में पैसे लेता है या फिर काइंड में भी कुछ भी ले सकता है बदले में ठीक है मोटिव की बात करें तो द मोटिव ऑफ एनपर इज टू स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अपन एंटरप्राइज वन अंडरटेक्स द वेंचर फॉर इज पर्सनल ग्रेटिफिकेशन कोई इंसान अपना वेंचर क्यों खोलता है पर्सनल ग्राटिफिकेशन के लिए खोलता है बायस द एम्प्लॉयज जॉब इज टू रेंडर वन सर्विस इन द ऑन गोइंग और न्यू एंटरप्राइज सेट अप बाय सम वन एल्स ये जो होता है ये दूसरे के लिए काम कर रहा होता है ऐसा वेंचर जो कि किसी और ने सेट किया है उसके लिए ही इज़ वर्किंग स्टेटस की बात करें तो ये ऑनर होता है वेर एज़ ये सर्वेंट होता है सर्वेंट नहीं बोलना चाहिए वैसे एम्प्लॉ राइट करेक्ट वर्ड होगा लेकिन बुक में हर जगह सर्वेंट लिखा हुआ है रिस्क बेरिंग इसकी पूरी रिस्क होती है क्योंकि भैया ये क्या है मालिक है और पूरा का पूरा एंटरप्राइज का रिस्क मालिक से बिलोंग करता है वेर एज इसकी नाइन टू फाइव की जॉब है ये इतना रिस्क को कोई बैर नहीं करता इसको बस अपने जॉब का रिस्क है याद सिर रिवॉर्ज की बात करें तो इसको प्रॉफिट्स मिलते हैं ठीक है अगर मतलब सक्सेसफुल हो जाता है सब कुछ रिस्क इसने जो लिया था वो प्रोडक्ट वे में इस्तेमाल हो जाता है तो इसको प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा लेकिन यहाँ पे इसको सैलरी ही मिलेगी विच इज़ फिक्स अनसर्टेन मतलब अगर पाँच हज़ार मिलती है तो पाँच हज़ार ही मिलेगी दस हज़ार मिलती है तो दस हज़ार ही मिलेगी बीस हज़ार मिलती है तो बीस हज़ार मिलेगी और एक लाख मिलती है तो एक लाख मिलेगी ठीक है चलिए इनोवेशन की बात करें तो ऑन्ट्रपेनोर हिमसल हर्सेल थिंग्स ओवर वट एंड हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसज वन हैज टू बेयर इन माइंड अबाउट द मीटिंग चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द कस्टमर ये बोलते हैं ऑन्तपेनोर खुद ही सोचता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कि भैया समय बदलता जा रहा है बदलते समय के साथ हम क्या क्या और चेंजेस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें खुद डिसाइड करता है वेयर इज ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयज़ की बात एम्प्लॉय एग्जीक्यूट द सेट प्लान एज पर द गिवन शेड्यूल दंस जॉब गेट्स टू मीट अप द टारगेट्स डिसाइडेड बाय व एम्प्लॉयज यहाँ पे एम्प्लॉय बेसिकली एम्प्लॉयर टारगेट्स डिसाइडेड बाय देर एम्प्लॉयर आना चाहिए बेसिकली जो एम्प्लॉयर आपके लिए टारगेट सेट करता है आप उसी के बेसिस पे काम करते हैं अगर उन्होंने टारगेट अच्छे सेट किए हुए हैं तो आपको उतना काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने बेसिक टारगेट्स रखे हुए तो बेसिक काम करोगे यहाँ पे इसके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है इसके अंदर से आ रहा है कि मुझे ये नया करके दिखाना है वेर एज इनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके पास नीड्स टू प्रोजेस क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस लाइक हाई अचीवमेंट मोटिव ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग फार साइटेडनेस और रिस्क बेयरिंग एबिलिटीज़ जबकि इसकी बात करें एम्प्लॉय नीड्स टू प्रोजेस क्वालिफिकेशन आज द दैरस इन द एंटरप्राइज विच आर प्री सेट एंड डिसाइडेड इन दिस इन दार ओके सो अगर कोई इंसान ऑनटरप्रोअर बनना चाहता है फर्ज कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है तो उसकी स्किल्स मैटर करेंगी या उसके पास कितनी डिग्रीज हैं वो मैटर करेगा बताओ स्किल्स मैटर करेंगे ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा स्किलफुल हो तो आप अच्छे से बिज़नेस रन कर पाओगे लेकिन आपके पास स्किल्स की कमी है तो बिजनेस नहीं रन कर पाओगे वे ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं एम्प्लॉज की तो एम्प्लॉयज़ की हायरिंग किस बेसिस पे होती है जैसे माइग्रेट ब्रेन्स भी हायर करता है तो वो हमेशा प्रोफाइल में डालता है कि हमें चाहिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बी हो जिसके पास ये इतने सालों का एक्सपीरियंस हो जिसने ये काम किया हो ये डिग्री हासिल की हो तो एम्प्लॉयज़ के लिए पहले से ही प्री कुछ क्वालिफिकेशन uh, रखी जाती हैं जो उसके पास होंगी तभी उसको इंटरव्यू तक बुलाया जाएगा वरना उसको इंटरव्यू तक भी नहीं बुलाया जाएगा तो degrees, यहाँ पे स्किल्स मैटर ज़्यादा नहीं करती हैं हायरिंग के लिए ज्यादा मैटर करती है डिग्रीज बेरस यहाँ पे स्किल्स ज्यादा मैटर करती है यहाँ पे डिग्री आप किसी को नहीं दिखाओगे अंबानी जी जो हैं वो लोगों को डिग्री नहीं दिखाते रहते कि देखो मेरे पास बिजनेस की डिग्री है बिजनेस की डिग्री है नहीं उनका काम बोलता है उनकी स्किल्स बोलती हैं दैट्स द थिंग चलिए सो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे Uh, uh, मतलब सेवेंटी फाइव वर्ड्स वाले आए गए एक्सप्लेशन यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे ऐसे क्वेश्चन जिनका एक्सप्लेनेशन वन फिफ्टी वर्ड्स में देना है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टरप्रनोर्स मेंशन द टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रनोर्स आपको क्या लगता है ऑन्टरप्रनॉर्स कौन होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है उनको बेसिकली और उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड को टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है सो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन और ये चैप्टर की शुरुआत ही इसी से हुई थी

इट्स अ नाइस डेफिनेशन बट अगर आपके पास इससे भी बेटर कोई डेफिनेशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं नॉट नेसेसरी आपको इसी से स्टिक रहना ठीक है चाहे तो स्क्रीन ले सकते हैं और दैट रिमाइंड्स भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन लेने का मौका नहीं दिया ये आपके डिफ्रेंसिस हैं ऑनटिनोर और एम्प्लॉइज के टैबुलर फॉर्मैट मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रही हूँ फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए नेक्स्ट स्लाइड क्स्ट स्लाइड नेक्स्ट एंड आई गज द लास्ट वन अच्छे चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं ऑन्टरप्रिन के ये हैं सारे के सारे टाइप्स एक ही जगह ठीक है तो टाइप्स ऑफ ऑन्टरप्रिन ठीक है बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होगा बिजनेस ऑनटेपनोर ट्रेडिंग ऑन्टपेनोर इंडस्ट्रियल ऑन्टपनर कॉर्पोरेट ऑनटनोर एग्रीकल्चर ऑनट्रपनोर मोटिव मोटिवेशन के बेसिस पे होगा तो इंड्यूज ऑनटिनोर स्पॉन्टेनियस ऑन्ट्रपेनोर मोटिवेटेड ऑन्टोर और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगा तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक्चुअली ना यहाँ पे ये यह जो ये लिखा हुआ है ना ये यह यहाँ पे आना चाहिए ठीक है थोड़ा सा ये जो डायग्राम है ना हल्का सा गलत बना हुआ है uh, शायद बुक में भी गलत ही दिया हुआ था तो टाइप ऑफ ऑन्टप्रनर्स हैं ठीक है ठीके? उसके तीन पार्ट्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ़ बिज़नेस और यूज ऑफ़ टेक्नोलॉजी ये तीन उसके बाइफोकेशन है और उसके बाद उसको फर्दर बाइफिकेट किया हुआ है तो टाइप ऑफ बिजनेस में ये सारे टाइप्स आ जाएंगे बेसिस ऑफ मोटिवेशन में वो तीनों आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये दोनों आ जाएंगे ठीक है थोड़ा सा देख लेना मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि टाइप ऑफ़ बिज़नेस ना यहाँ पे ना आके यहाँ पे आना चाहिए था और ये सारे उसके नीचे आने चाहिए थे अंडरस्टूड चलिए स्क्रीन ले लीजिए इसका मैंने ये सारे टाइप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं विद डैट अगर ये फिर वन फिफ्टी वर्ड्स का ही आंसर लिखना है आपको तो इसमें आपको ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट नेम करो दैट्स एट आपका काम खत्म चलिए क्वेश्चन टू है मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस एक्सप्लेन बाय अ मॉडल मोटिवेशन एक प्रोसेस है आपको एक्सप्लेन करना है मॉडल की मदद से चलिए motivation is essentially a process it, it can be well expressed in form of a model on a careful analysis of the model it can be understood that every individual possesses an urge or a need or a multitude of needs desires or expectations the unsatisfied need leads to tension within the individual and motivates one to search for ways to relieve one's own tension that tension leads one to certain drives एंड दोज ड्राइव एंड सर्चिंग ऑल्टरनेटिव टू अचीव वंस गोल विच विल इवेंचुअली रिड्यूज टेंशन थोड़ा सा आई नो कम्बरसम लग रहा है ये पढ़ने में मुझे भी इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया लेकिन आप डायग्राम देखिए आपको करना भी कुछ ऐसे ही है आपको पहले ये डायग्राम बनाना है उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट करना है यहाँ पर जिस तरह से किया हुआ है ना कि उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन लिख दिया उसके बाद उन्होंने एक वो किया हुआ है डायग्राम बना हुआ है ऐसे नहीं करना आपको बिल्कुल भी नहीं क्योंकि क्या है ना ये सिंप्लीफाई कर रहा है चीज़ों को ये मुश्किल बना रहा है चीज़ों को तो जो पहले सिंपलीफाई करे उसे मेंशन करोगे ना ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तुम अगर पहले ही ये लिख दोगे सामने वाले को लगेगा पता नहीं इसने क्या किया और उसके बाद उसका ध्यान ही नहीं जाएगा आगे के डायग्राम पे तो पहले अगर प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना है उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है ठीक है डायग्राम में अनसेटिस्फाइड नीड टेंशन उससे ड्राइव होता वो आता है वो होता है अर्ज आती है आपके अंदर फिर आप सर्च करने लगते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनका एनालिसिस करते हो और फिर उनमें से एक पिक करके अपने नीच को सेटिस्फाई करते हो उससे आपका टेंशन रिड्यूस हो जाता है अंडरस्टूड ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था एग्जाम्पल की मदद से भी किया हुआ है अगर वीडियो नहीं देखी देख लीजिए यहाँ हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर कोई भी नेचर का क्वेश्चन आता है तो उसमें राइटिंग मतलब आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ठीक है और अगर कुछ ऐसी चीज थी जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी उसको हम पढ़ रहे हैं ओके okay? बाकी मैं स्किप करवा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन दिनोर्स के नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट फुलफिलिंग द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी ऑन दिनोर्स सर्वाइव नहीं कर सकते और ग्रो नहीं कर सकते जब तक वो सोसाइटी की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते एक्सप्लेन कीजिए चलिए इसका आंसर है Yes, it is true. Entrepreneurs cannot survive and grow without fulfilling the ethical responsibilities of society. Ethics is the knowledge of what is wrong and what is right. Business ethics are often guided by a law and it provides a basic framework that businesses may choose to follow in order to gain public acceptance. An entrepreneur has to follow his ethics to make sure the proper usage of human resources, countries' natural resources serve the society and the proper development of the country. एथिक्स क्या है सही और गलत के बीच में डिफरेंस बिजनेसमैन इंडीड नहीं आगे बढ़ सकते जब तक वो सही और गलत के बीच में डिफरेंसेस नहीं जान लेते गलत का मतलब यूजुअली ऐसा ही होता है कि आप सोसाइटी के साथ धोखा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लॉज भी बन चुके हैं जो एथिक्स को काइंड ऑफ लीगल फ्रेमवर्क में ले आए हैं कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले हम एथिकल कंसिडर किए करते थे कन्वेंशनस uh, के अकॉर्डिंग कल्चर के अकॉर्डिंग आज की डेट में वही लॉ बन गया है जैसे अगर चीटिंग करा जाता है अब चीटिंग क्या है बचपन से सिखाया जाता है किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए गलत बात होती है राइट तो ये गलत बात को अब उन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया है जो भी इंसान चीटिंग करेगा उस पर चार सौ बीसी का केस लगेगा और उसको जेल जाना पड़ेगा तो अब इंसान मतलब जो कल्चर में सीखता हुआ आ रहा था आज की डेट में अगर पहले वो करता तो उसको बस गिल्ट रहता कि भैया मैंने चीटिंग की है गलत बात है ये नहीं करना चाहिए था मुझे लेकिन आज की डेट में अगर वो चीटिंग करेगा तो उसको भाई पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि लॉ बन चुका है तो ये यही बोल रहे हैं कि ज़्यादातर बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड लॉज आ चुके हैं सो एज़ अ रिजल्ट ऑफ विच लोगों को मानना ही पड़ता है उन लॉज को और प्लस अगर आपको पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहिए अगर आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे लॉयल हों तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते हो ठीक है चलिए It includes giving proper wages to workers, prohibiting child labor, not polluting the environment with harmful industrial smoke and wastages, ensuring proper and fuller utilization of natural resources. There are many duties and responsibilities of a person towards society and towards nation. An entrepreneur, as a part of the society and nation, must follow ethical standards and if the enterprise abides the social and ethical responsibilities, then his or her business will flourish. And then.

एन्वायरमेंट uh, को पोल्यूट ना करो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो रिसोर्स वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना वन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत लेंदी एक्सप्लेशन कर दिया इन्होंने यहाँ पर अगर सिर्फ वो मैंशन कर देते ना पॉइंट्स भी तब भी काम चल जाता इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं पहले सबसे पहले तो आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये आंसर बहुत बड़ा लिखा हुआ है इतना लिखने का ज़रूरत नहीं थी ठीक है नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल द मैकलन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको मिस्टर uh, हमारे मैकलन सर के जो थ्योरी थी मोटिवेशन से रिलेटेड उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखना है चलिए मैथ्स नीड हायर की थियोरी मैंने आपको बताया था ट्वेल्थ क्लास में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे ये वाली आप ट्वेल्थ क्लास में नहीं पढ़ेंगे ये आप यहीं पे पढ़ लीजिए और है भी ये छोटू सी ये तीन चीज़ों पे फोकस करती है मैटल नीड फॉर अचीवमेंट थियरी इज वन ऑफ द कॉन्टेंट थियरीज ऑफ मोटिवेशन एम्थिस दैट ह्यूमन नीड्स एंड इंसेंटिव कॉज ह्यूमन बिहेवियर हैज आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक मोटिवेटिंग नीड्स कौन कौन सी है नीड फॉर अचीवमेंट और अचीवमेंट मोटिव और उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया हुआ है फिर है अकम्प्लिशमेंट और प्री ऑक्यूपेशन विद टास्क एफिलियेशन एंड नीड फॉर पावर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है मतलब ये ना आंसर इन्होंने ना बिल्कुल छः नंबर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इतना लिखने की जरूरत नहीं थी 150 फिफ्टी वर्ड्स यूजली दो तीन तीन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तीन मार्क्स के लिए यू डोंट हैव टू राइट दिस मच आप बस ऐसे लिखना तीन जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस पर्टिकुलर थियोरी में उनको मैंशन कर देना फ्लो चार्ट बना के और उसके बाद उनका एक्सप्लेशन लिख देना और अगर लगे कि हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तीन चार लाइनों में एक एग्जाम्पल दे दो बस उससे ज़्यादा ये सब मत करना ताम झाम जो इतना यहाँ पे किया हुआ है रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो आप स्क्रीन ले लो लेकिन ताम झाम इतना नहीं लिखना है तीन नंबर के क्वेश्चन में वन फिफ्टी तो ये तो क्या क्या कर दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मैंशन कर दिया नॉट रिक्वायर्ड इतना ज़्यादा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस entrepreneurs आपको अलग अलग तरह के बिजनेस entrepreneurs को एक्सप्लेन करना है रेफर टू दिस वर्ड एक्सप्लेन मतलब आपको ना सिर्फ मैंशन करना है उनका नाम बल्कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा आपका ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑनटरपिनोर्स टू फाइव कैटेगरीज पांच कटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं पहला है बिजनेस ऑन्टरप्रेनोर फिर है ट्रेडिंग ऑन्टप्रेनोर फिर इंडस्ट्रियल ऑन्टपिनोर फिर आपका कॉर्पोरेट कॉरपोरेट और फिर है एग्रीकल्चर ऑन्टपिनोर ये सारे कौन हैं हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ आई होप आपने बेसिक वीडियोज़ देखी हैं इस चैप्टर की अभी फिलहाल आप स्क्रीन शॉट लेते जाइए हमने यहाँ पे ना सिर्फ पांचों के नाम मेंशन किए हैं जो बिज़नेस ऑनटरप्रनोर्स हैं मतलब बिज़नेस के फील्ड के ऑन्टरपेनोर्स हैं एज लाइक जो बाइफिकेशन होते हैं ऑन्टरप्रनोर्स के ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस उसके अंदर आते हैं पाँचों तो ये पाँचों का हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया और नाम भी मैंशन हो गया जहाँ लगा एग्ज़ाम्पल लिखने की ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल भी मैंशन है चलिए अब ये भी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा ऑलरेडी बहुत बड़ा आंसर है ये इन्होंने ना आठ नंबर के क्वेश्चन के लिए इतन, जितना कंटेंट लिखना चाहिए ना उतना लिखा है मतलब बेसिकली आठ नंबर के क्वेश्चन में आप बेसिकली इंश्योर करते हो कि आप सारे पॉइंट्स जितने भी मेंशन करो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो इन्होंने वही किया हुआ है तो अगर टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस पे आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही लिखना लेकिन यहाँ पे 150 वर्ड्स पूछा हुआ है दैट्स इट इतना नहीं करना है कुछ भी एक्सप्लेन एनी फोर entrepreneurial competencies. आपको कोई भी चार ऑन्टनोरियल कॉम्पिटेंसीज को एक्सप्लेन करना है अब यहाँ पे आपकी विषय आपने जो भी पढ़ा हुआ है जिसको आपको लगता है आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो वो चार उठा लेना और लिख देना फर्स्ट इन्होंने इनिशिएटिव लिखा हुआ है कि भैया ऑन्ट्रप्रोर के अंदर इनिशिएटिव वाली पावर होनी चाहिए फिर इन्होंने क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन लिखा हुआ है क्रिएटिविटी मतलब दिमाग से सोचना कुछ नया करने के बारे में और इनोवेशन एक्शन में कन्वर्ट करना उसे ठीक है रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क लेना और उसे मैनेज भी करना प्रॉपरली ये भी एक कॉम्पिटेंसी है जो ऑन्टनोर में होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको ठीक है अगैन आल से इन्होंने चार कॉम्पिडेंसीज तो लिखी हैं लेकिन उनको ओवर एक्सप्लेन किया हुआ है इतना रिक्वायर्ड नहीं था दो दो लाइन में अगर एक्सप्लेनेशन देते वन फिफ्टी वर्ड्स कम्प्लीट हो जाते थे चलिए एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स अब आपको ऑन्टरल एटीट्यूड्स के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है हमने बहुत सारे फीचर्स पड़े हुए थे यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन्होंने लिखा इफेक्ट्स बिहेवियर ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है जिस तरह का हम एटीट्यूड रखते हैं उस तरह का हम बिहेव करते हैं इट इज़ इनविजिबल ये दिखाई नहीं देती लेकिन कॉन्सिक्वेंसिस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चल जाता है ये कहाँ से आ रही है ठीक है फिर उसके बाद ये एक्वायर की जाती है ओवर द टाइम ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बचपन से माँ के पेट से सीख के आते हैं नहीं ये हम वर्ल्ड में आने के बाद एक्वायर करते हैं और मैक्सिमम चाइल्डहुड में एक्वायर करते हैं एडिड्यूज और परवेसिव ये हर जगह अप्लाई होने वाली चीज़ है चार लिखने थे चार हमने लिख दिए मतलब यहाँ पर तो चार की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी बट मार्क्स uh, के अकॉर्डिंग हमने चार लिख दिए ठीक है साइड साइड मैं बार बार बोलूंगी नहीं आपको कि स्क्रीन शॉट लेते रहो मैं अगर आराम से पॉज कर रही हूँ उस पर्टिकुलर स्लाइड पे तो फटाफट ले लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट ये बोलता है हाउ डू सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड परसिस्टेंट हेल्प ऑन्टोर्स बिकम इफेक्टिव लीडर्स कैसे सिस्टमैटिक प्लानिंग और परसिस्टेंट मदद करते हैं ऑन्टरप्रीनोर्स की इफेक्टिव लीडर्स बनने में अच्छा आप देखो थोड़े टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सिस्टमैटिक प्लानिंग क्यों की जाती है ठीक है उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन कर दिया है कि सिमेटिक प्लानिंग से कैसे कोई भी इंसान औंत बनता है इफेक्टिव वाला इफेक्टिव लीडर बनता है बेसिकली ठीक है तो समूह सिमिलर ही है वही एक्सप्लेनेशन जो वहाँ लिखा था कि भैया सिस्टमैटिक प्लानिंग से क्या होता है आप ब्लू प्रिंट तैयार कर लेते हो आपको पता होता है क्या होने वाला है तो फिर आप आगे का काम उसके अकॉर्डिंग करते हो मॉनिटरिंग कर लेते हो सुपरविजन कर लेते हो हर एक चीज़ अच्छे से देख लेते हो हर एक चीज़ प्रॉपरली चल रही होती है तुम तो इन्श्योर कर लेते हो परफॉर्मेंस हमारा सही जा रहा है कंपेरिजन पॉसिबल हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे रीजनस हैं वो सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं अंदर यू विल बी रन विद योर आंसर ये देखिए स्क्रीन ले लीजिए और अब आ गए हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको आंसर लिखना है टू फिफ्टी वर्ड्स में वन फिफ्टी वाला भी खत्म हो गया मतलब पहले हमने शुरू किया था फिफ्टी वर्ड्स वाला फिर हमने पढ़े सेवेंटी फाइव वर्ड्स वाले फिर हमने पढ़े वन फिफ्टी वर्ड्स वाले अब हम पढ़ने वाले हैं टू फिफ्टी वर्ड्स वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में मतलब चैप्टर दो इतना लेंदी नहीं था लेकिन एक्सरसाइज बहुत लेंदी है बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? तो अब हम थोड़ा सा हवा में चलेंगे ठीक है फर्स्ट है एक्सप्लेन एनी सिक्स एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एनट्रोर कोई भी छः इंपॉर्टेंट एटीट्यूड जो ऑन्ट के होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं ठीक है चलिए देखिए हैव फैशन फॉर द बिजनेस फर्स्ट वन भैया जो भी काम आप कर रहे हैं जो भी बिज़नेस आपने चूज़ किया उसके लिए आपका पैशन होना चाहिए विदाउट पैशन आप आगे का काम नहीं कर सकते एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब आप लोगों के अंदर भरोसा जगाइए वो आपको मतलब आप पे ट्रस्ट करें ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ट्रस्ट आप उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे मतलब उतना ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे मार्केट में बी फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट विद सम कोर वैल्यूज थोड़ा बहुत आपको चेंज करना आना चाहिए अपने आप को बस ये ध्यान रखो कि अपने कोर वैल्यूज़ के साथ कॉम्स माइज ना करो ठीक है मैंने आपको बहुत प्यारा सा एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको जो पढ़ा रही थी टॉपिक वही वाला एग्जाम्पल चाहें तो आप लिख सकते हैं डोंट लेट द फ्यर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक ये मत करना कि तुम्हें डर लगता है कोई पर्टिकुलर चीज करने से तुम्हें फ्यर है मतलब फेलियर का तो उसकी वजह से तुम अपने आप को पीछे रख रहे हो मतलब अगर कई कई लोग होते हैं ना जो डर जाते हैं कि यार वॉट एफ एल फेल अब वो डर की वजह से तुम क्या करते हो बेसिकली तुम आगे बढ़ते ही नहीं हो तुम्हें लगता है यार फेल हो जाएंगे क्या करेंगे तो भैया एक बार पहले ट्राई तो करो जब तक ट्राई नहीं करोगे तो फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो पता ही नहीं लगेगा तुम्हें सो so, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए देन है मोर टाइम मेक टाइमली डिसजन्स आपको हमेशा समय से न, वो ले, ले लेना चाहिए डिसीजन लेना चाहिए कैसे कई लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी आती है टाइम पे डिसीज़न नहीं लेते अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाती है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साथ ठीक है द मेजर कंपनी असेट इज़ वन सेल्फ Uh, ये ध्यान रखो कि भैया पहले तुम हो उसके बाद कारोबार है तुम्हारी हेल्थ अगर सफ़र कर रही है तुम प्रेशर में काम कर रहे हो तुम स्ट्रेस में काम कर रहे हो इट्स नॉट ग हेल्प तुम्हारा एंटरप्राइज भी फिर बिखरता जाएगा तो पहले तुम अपना वो देखो उसके बाद एंटरप्राइज का देखो कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल ईगोइस्टिक मत बनो ठीक है ईगोइस्टिक बनोगे जहाँ पे भी अपना ईगो लाओगे मतलब तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी नहीं होना चाहिए बिलीव इन वन सेल्फ एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिजम ग्रेसियसली मेनटेन अ स्ट्रॉग वर्क है थे क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ छः लिखने के लिए बोले थे तो हम सिर्फ छः पढ़ेंगे और आगे के मतलब इट्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हें इनमें से कौन से छः लिखने हैं ठीक है मैंने तुम्हें सारे दिखा दिए हैं सबका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है देख लो बस और काम कर लो चलो अब आया क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन मास्लर्स थियोरी ऑफ मोटिवेशन आपको अब्राहम मासलो के थेरी जो नीड थेरी थी उसका वो लिखना है एक्सप्लेनेशन लिखना है चलो So in 1943 Abraham Maslow developed one of the earliest theories of human motivation commonly referred to as Maslow's hierarchy of needs theory Maslow's theory of uh, motivation is called the hierarchy of needs uh, repeat kiya okay Maslow believes that people would not move down on this list to be motivated by the next set of uh, needs until the previous set has been satisfied कैसे लिखा हुआ है Basically, trying to say is, कि एक पूरा डायग्राम बना हुआ है एक पूरा ट्राइंगर फिगर बना हुआ है जब तक बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी मतलब नीचे वाली नीड्स नहीं पूरी होंगी इंसान ऊपर वाली नीड्स पर नहीं आएगा फिर वो पूरी हो जाएंगे फिर इंसान ऊपर वाली नीड्स पर आएगा डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा मतलब ये एक लैडर की तरह है ये एक सीढ़ी की तरह है कि आपको वन बाय वन बाय वन बाय वन चलना पड़ेगा यू कांट बी लाइक एक पैर यहाँ रखा एक पैर वहाँ रखा क्या होगा उससे तुम गिर जाओगे ठीक है तो आपको सीक्वेंस में मूव करना पड़ेगा मैसल बिलीव दैट पीपल हैव फाइव मेन नीड्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस पाँच मेन नीड्स होती हैं इस ऑर्डर में तो ये है पूरी आपकी लैडर आप ऐसे मानिए ये सीढ़ी का पहला स्टेप है ये दूसरा स्टेप है ये तीसरा स्टेप है ये चौथा है और ये पांचवा और आखिरी स्टेप है कोई भी इंसान जब शुरू करता है तो वो यहाँ से शुरू करता है ऐसा नहीं है कोई इंसान शुरू ही यहाँ से करे या यहाँ से करे नो no. आप यहाँ से शुरू करोगे दैट विल बी अ फर्स्ट थिंग जो आप अचीव करना चाहोगे उसके बाद आप य, जब ये अचीव कर लोगे तो आप यहां आओगे ये अचीव कर लोगे तो आप यहां आओगे ये अचीव कर लोगे तो आप यहां आओगे और ये अचीव कर लोगे तो आप यहां आओगे ठीक है तो इस तरह से पूरा आपका मूवमेंट चलेगा चलिए सेफ्टी नीड्स में आ जाते हैं आपके ये सब नीड्स देन सेल्फ एस्टीम में आ जाते हैं ये वाले नीड्स सेल्फ एक्चुलाइजेशन में आ जाते हैं ये वाले नीड्स इन अ वे ये सारे हमने पढ़े हुए हैं तो मैं इन पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ ठीक है पर इन्होंने बेसिकली फिजोलॉजिकल नीड्स क्यों नहीं लिखे चलिए फिजिलॉजिकल नीड्स में कुछ नहीं है रोटी कपड़ा और मकान है बेसिक जो सबसे बेसिक नीड होते हैं उसके बाद सेफ्टी नीड्स में ये लिखे हुए हैं चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आपके बिलोंगिंग नीड्स फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स पढ़ी हुई है सो so, आगे बढ़ रहे हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन एन एन अनुप्लॉय वो कितनी बार पूछेंगे ये? आपका भी यही सेम क्वेश्चन होगा बट देखिये ये बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने वन फिफ्टी वर्ड्स में पूछा था इस बार वो टू फिफ्टी वर्ड्स में पूछ रहे हैं। तो आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और ज्यादा करना होगा हमने वन फिफ्टी में ही इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया था, था कि टू फिफ्टी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आज सच तो ये फटाफट स्क्रीन शॉट तो पहले से ही आपके पास होगा इस क्वेश्चन का सो so हम इसको भी स्किप करते हैं नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन कॉम्पिटेंसीज इज अ सेट ऑफ डिफाइंड बिहेवियर सेट द टाइप्स स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन कॉम्पिटेंसीज़ बेसिकली आपका बिहेवियर सेट करती है डिफाइन करती हैं तो आपको अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताना है जो कि ऑनटरपनॉड के द्वारा रिक्वायर्ड होती है और एक्सप्लेन करना है उनसे ठीक है चलिए A competency is an attitude, knowledge, skill, ability, or other characteristic that contributes to successful job performance to a given task. Yes, it is a set of defined behaviors that it can be observable and measurable. It can also uh, include knowledge, skill, abilities, teamwork, cooperation, and communication contribute to innovation, individual success in the organization. It provides a structured guide. नेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन इवैलुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर्स इन द इंडिविजुअल ऑन्टर शुड ऑल्सो एक्वायर एंड फॉलो सर्टिन बेसिक कॉम्पिटेंसीज ठीक है कॉम्पेडेंसीज में कौन कौन से आएंगी फर्स्ट आएगा इनिशिएटिव क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप परसिस्टेंस क्वालिटी परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन सीकिंग सिस्टमैटिक प्लानिंग परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसीज एंटरप्राइज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज इतनी भी लिखने की जरूरत नहीं थी 250 फिफ्टी वर्ड का क्वेश्चन है ना तो आप पाँच पॉइंट्स लिख दो मोर देन सफिशियंट होंगे ठीक है तो ये सारी कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं उनमें से जो भी फेवरेट आपकी पाँच है जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो वो वाले लिख देना एंड इट विल बी गुड आंसर फ्रॉम योर साइड चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूँ साइड हूँ मैं चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जिस जिस स्टूडेंट को लेना है बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से ले सकता है okay next question question number 5 it says entrepreneurs season can strengthen or seriously weaken a firm's future business viability discuss this statement in the light of necessity of ethics for society and development of business entrepreneurs decisions can strengthen or seriously weaken a firm future business viability ek entrepreneur ka law. ek entrepreneur ka law, चाहे तो ऑनप एंटरप्राइज को या वेंचर को ऊपर ले जा सकता है और चाहे तो उसे गिरा सकता है ऑब्वियसली अंतपन कौन है द वन हु मैनेजेस द वेंचर राइट वो सारे डिसीजन मेकिंग करता है तो अगर वो कुछ सही सोचता है तो ऑब्वियसली उससे एंटरप्राइज़ आगे जाएगा और अगर वो कुछ गलत सोचता है तो उससे ऑब्वियसली एंटरप्राइज़ नीचे जाएगा सो so, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपको यहाँ पे डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट की लाइट में नेसेसिटी ऑफ एथिक्स फॉर सोसाइटी एंड डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी और डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा एथिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताना है इस पर्टिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में ओके okay. अगेन ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है 150 फिफ्टी वर्ड्स में ये रिपीट हुआ है 250 फिफ्टी वर्ड्स में सो so, उसमें ऑलमोस्ट आपका एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगा बस थोड़ा सा डिटेल्ड वे में रहेगा ठीक है सो so, यहाँ आप निर्मा वॉशिंग पाउडर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे वो उन्होंने बताया था कि गरीब औरतें क्योंकि वॉशिंग पाउडर अफोर्ड नहीं कर पाती थी तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट uh, किया और एक सस्ता सा वो निकाला था जो सफ़ेदी की पहचान के लाया जाता था और आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट शेयर अपने हिस्से करके बैठा हुआ है ठीक है सो यू कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर केस चलिए फाइनली हम आ गए हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिनमें आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा अब देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना वो स्ट्रेट अवे थे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर यहाँ अब आपको सोचना पड़ेगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है द गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर पोल्यूशन फ्री जोन्स एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑन्टरप्रनोरस बाई इंड्यूसिंग सच असिस्टेंस मिस्टर ए वॉज इंड्यूस टू एंटर इन टू ऑन्टनोरशिप दिस इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी एक्सप्लेन ओके सो so, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया पॉल्यूशन फ्री जोन्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ऑन्टरप्रेनोरस को तो उससे थोड़ा सा इंप्रेस हो एक मिस्टर ए मिस ए है या मिस्टर मिस ए ने क्या किया ऑनरप्रेनोरशिप जॉइन कर लिया सो so, अब आपको बता है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऐसे मानिए गवर्नमेंट की स्कीम के चलते हुए गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिल रहा था उसके चलते हुए कोई इंसान ऑन्टपनॉर बना है तो ये कौन से टाइप का ऑन्टपनॉर कहलाया जाएगा आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे फिर रिमेंबर तो ऐसा टाइप जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से इम्प्रेस हो जाता है या उनसे फ़ायदा जो मिल रहा होता है उन्हें लेना चाहता है उसके बारे में आपको पता लगाना है कि भैया वो कौन सा इंसान होगा चलिए बताइए आंसर इज इज इट बेस्ड ऑन मोटिवेटिंग फैक्टर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंड्यूस्ड ऑनप्रिन हमने टाइप्स पढ़े थे ऑनटरप्रनोर्स के ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन तीन टाइप्स थे स्पॉन्टेनियस राइट right? ये स्पॉन्टेनियस वाला नहीं था ये था उसके नेक्स्ट वाला दैट वॉज इंडियूस फिर तीसरा था मोटिवेट मोटिवेटेड ऑन्टरप्रोर तो ये सेकेंड वाला है इंडियूज जो कि गवर्नमेंट की जो असिस्टेंस मिल रही होती है उन्हें और मैंने यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर वनराज शाह का एग्जाम्पल दिया था वेन आई गिव मोटिवेशन वाला एग्जाम्पल तो मैंने उसमें वनराज शाह अद्विक और दैट अनुज तीनों का एग्ज़ाम्पल दिए थे नहीं देखा तो देख लीजिए वीडियो और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियूस ऑन्टरप्रेनोरस को एक्सप्लेन किया हुआ है दैट्स एट सिंपल क्वेश्चन था बस थोड़ा सा हल्का सा सोचना था दैट्स इट वट आर द बेसिक डिफरेंसिस बिटवीन मैसलॉज एंड मैक मैकलैंड थेरी ऑफ नीच ओके ये आया है एक जबरदस्त क्वेश्चन जो अभी तक हमने ना पढ़ा था और ना ही चैप्टर में कहीं आया था मतलब हमने ये दोनों थियरीज इंडिविजुअली पढ़ ली थी लेकिन दोनों के डिफ्रेंसेस क्या उसके बारे में अभी तक बात नहीं किया ठीक है सो आपने जो मोटिवेशन की दो थेरीज पढ़ी हैं मैसलो की और मैकलैंड की इन दोनों के डिफरेंसेस नाउ यू हैव टू राइट क्या क्या लिखोगे बताओ सोच के देखो क्या क्या डिफरेंसेस सबसे पहले तो यही कि लो ने तो एक हर की बनाई हुई है एक लैडर है जिसमें आपको वन बाय वन चढ़ना पड़ता है जिसमें पांच स्टेप्स है एज दूसरे ने सिर्फ तीन चीजें रखी हुई हैं वो भी उसने बोला है कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग चीज वर्क करती है राइट तो पहला और मेजर पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा यहाँ मीनिंग में बोलते हैं मैथ में this theory was proposed by abraham maslow and is based on assumption that people are motivated by a series of five universal needs

आउटलाइन बोले तो इट एक्चुअली आउटलाइन डिफरेंट थिंग्स विच आर वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ वट इट वट इज़ एन ईच लेवल ऑफ इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली बताया कि हर एक लेवल में कौन सी चीज़ आपके लिए कितना मायने रखती है यहाँ पर बात करें तो ये बोलते हैं इट आउटलाइन वट ही बिलीवड आर थ्री बेसिक नीड्स प्रेजेंट इन ऑल पीपल इन डिफरेंट इंटेंसिटीज हर इंसान में जो तीन बेसिक नीड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी में मतलब एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी दूसरी बहुत ज्यादा होगी तो तीसरी कम होगी वैसे तो उनके बारे में बात करिए कंटेंट के बारे में बात करें पीपल ट्राई टू सेटिस्फाई द वेरियस नीड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक हायरिकल पैटर्न मतलब हर नीड को बंदा सेटिसफाई करने की कोशिश करता है लेवल अप करके मतलब पहले लेवल अचीव हो गया फिर दूसरे लेवल पे फिर तीसरे पे फिर चौथे पे ऐसे जाएगा नीड्स आर टू सम एक्सटेंट एक्वायर्ड एंड कैन देर फोर बी इन्फ्लुएंस जस्ट अस सेवरल स्टिमुलस साइमल्टेनियस नीड्स इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर सो ये बोलते हैं नीड्स आर टू सम एक्सटेंट एकवायर्ड मतलब जो नीज होते हैं वो एक एक्सटेंट तक एक्वायर की जाती है जैसे इनमें जिन नीज के बारे में बात हुई है वो एकर की है ओवर द टाइम और उसके बेसिस में आपने अपना इन्फ्लुंस देखा है चलिए लेवल ऑफ नीज पाँचों लेवल्स यहाँ पर बता दिए तीनों नीज यहाँ पर बता दी उसमें है फिजोलॉजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी बिलोंगिंगनेस एंड लव एस्टीम सेल्फ एक्चुलाइजेशन इधर है अचीवमेंट एफिलियशन और पावर

ऑर्डर लेयर ऑफ नीड्स द लोअर लेयर नीड्स आर सेटिस्फाइड मूव ये बोलते हैं जब तक नीचे वाली नीड्स सेटिस्फाई नहीं होगी कोई इंसान ऊपर मूव नहीं करेगा भैया जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है वो आ, लोगों से अप्रिसिएशन नहीं चाहेगा उसके लिए अप्रिसिएशन बाद में आता है पहले उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए नो स्पेसिफिक लेवल इन द एम्प्लॉयज नीड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं सेट किया हुआ वही मेन डिफरेंस है आपके यहाँ पे ये लेवल्स में चलता है ये लैडर की तरह चलता है ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पर ऐसे कोई लैडर वाली चीज़ नहीं है कि वन बाय वन चलेगा सो so, सबसे पहले तो तुम क्या करो इनका स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना दोनों थेरीज अगर तुमने अच्छे से पढ़ी होंगी तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन को आंसर करना चुटकियों का काम है और अगर डिफरेंस बिटवीन के पैटर्न से नहीं लिखना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैथ्स को तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर दो विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम और उसके बाद मैं को एक्सप्लेन कर दो विद द एग्जांपल्स दैर वी पिक और फिर उसके बाद एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देना दैट विल आल्सो बी लाइक अ गुड वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर चलिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये आपका लास्ट पॉइंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ये बोलता है एन ऑन्ट्रप्रोर इज फुलफिलिंग द एथिक्स एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी इज एन असेट फॉर सोसाइटी एंड शुड सर्वाइव एंड ग्रो एक ऐसा ऑन्टरपिनोर जो कि मॉरली हमेशा करेक्ट रहता है एथिकली हमेशा वही चीज़ें करता है जो आर गुड फॉर द सोसाइटी ऐसे बंदे को सोसाइटी के लिए एक असेट माना जाता है और कंसिडर किया जाता है कि ऐसे इंसान के वेंचर को ग्रो करना चाहिए एक्सपैंड करना चाहिए एक्सप्लेन कीजिए इस चीज़ को बताइए 250 वर्ड्स में करना है थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे uh, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़े वो सारे स्ट्रेट अवे थे कि बुक में दिए हुए थे बस आपको यहाँ पे लिखना था ये वाले को आपको किस प्रकार से लिखना है उसमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिव माइंड लगा के आपको आ, कोशिश करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग की, की। यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्ट ड एथिक्स इज़ एन ऑब्लीगेट्री ऑन द पार्ट ऑफ़ बिजनेस एंटरप्राइज टू बी अज सोशली रिस्पॉन्सिबल एज दे प्राइमली एग्जिस्ट बेनिफिट सोसाइटी ये बोलते हैं कि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो ऑन्टनोर्स होते हैं उन्हें एथिकली करेक्ट होना चाहिए रीज़न बीइंग कि वो इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही एग्जिस्ट कर, कर रहे हैं ऐसा कंसिडर किया जाता है कि भाई देखो तुमने एंटरप्राइज खोला ठीक है अब तुम्हारे एंटरप्राइज से सोसाइटी का इन अ वे भला हो रहा है चाहे तुम अपने लिए काम कर रहे हो चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो सोसाइटी को किसी ना किसी वे में तो कन वो कर रहा है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर से इकोनमी स्टैगनेंट नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज योर पर्टिकुलर फॉर्म इज वर्किंग प्रॉपरली तो वो भी तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन ही हुआ तो यस yes, इंडीड ऐसा माना जाता है कि वो सोशली respons, रिस्पॉन्सिबल होते हैं महात्मा गांधी ऑब्जर्व इफ गॉड हैज गिवन यू मोर वेल्थ देन इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स महात्मा गांधी जी का कहना है कि अगर भगवान जी ने तुम्हें वेल्थ अच्छी खासी दी है तो उसको तुम दूसरों के हित के लिए इस्तेमाल करो लाइक like, uh, ऐसा मानिए कि क्योंकि अंबानी जी के पास ज्यादा वेल्थ है तो उन्हें काइंड kind ऑफ of सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए मतलब एक एक करोड़ भी सारे इंडियंस को दे दो तो वो खुश हो जाएंगे ऐसा टाइप्स ठीक है बट ऐसा कोई करता नहीं है इन रियल लाइफ कीप वट यू नीड एंड डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट अमंग लेस फॉर्चुनेट ब्रिथन अपने पास उतना रखो जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवश्यकता के लिए ज़रूरी है बाकी सब दान दे दो ये तो हम भी नहीं कर सकते मतलब अंबानी तो छोड़ो हम ही नहीं कर सकते ये चीज़ बट इन महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि अगर तुम्हारे हाथ भगवान जी ने भरे हैं पैसों के साथ तो तुम उसे जितना खुद के लिए इस्तेमाल होगा उतना तो रख लो एंड इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लगता है नहीं मेरे को तो बहुत सारा इस्तेमाल होगा मुझे तो 90 परसेंट मुझे ही इस्तेमाल होगा नहीं जितना एक्चुअली तुम्हारी नीड है जितनी एक्चुअली तुम्हारी यू you नो know, ज़रूरत है उतना तुम अपने पास रखो बाकी का रखा हुआ सब बांट दो ऐसे लोगों में जिनको एक्चुअली उस चीज़ की ज़रूरत है जिनका नहीं चल रहा है उस चीज़ के बिना ठीक है The following are some ethical standards in their business practices, like which is to be followed by an entrepreneur. नीचे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग acche अच्छे माने जाते हैं providing quality and एंड uh, correct quantity of the goods to consumer. Like जब तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो हमेशा याद रखो कि वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए लोग उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके फील करें कि हाँ उनको कुछ बढ़िया मिला है एंड एट द सेम टाइम क्वांटिटी भी करेक्ट रखो ये मत करो हेरा फेरी जो कि चावल को एक किलो दिखाना है तो 200 ग्राम उसमें कंकड़ डाल दिए बाकी 800 ग्राम तुमने चावल डाले ऐसा मत करो पेइंग एडिक्वेट टैक्सेस टू गवर्नमेंट जितने तुम्हारे टैक्सेस बनते हैं गवर्नमेंट को पे करो टैक्सेस की चोरी मत करो क्योंकि वो तुम ब्लैक मनी में हो जाएगा और फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी गिविंग थ्रू इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज बेकरस कंज्यूमर्स गवर्नमेंट हमेशा सही इन्फॉमेसन दो करप्टेड इन्फॉर्मेशन मत दो फॉर्ज इन्फॉर्मेशन मत दो किसी भी अथॉरिटी को जो तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी में जो चीज़ें हो रही हैं जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली करेक्ट है सिर्फ वही शेयर करो फेयर प्रैक्टिस फॉर प्रमोशन कॉम्पनसेशन ले ऑफ फ्रेंच बेनिफिट्स एक्सेट्रा प्रमोशन कॉम्पनसेशन इन सब के लिए फेयर प्रैक्टिस वो करो अडॉप्ट कहने का मतलब है एम्प्लॉयज से अगर काम करा रहे हो तो बदले में उसको उतना पैसा दो कि उसको फील हो कि हाँ यार यू नो इतना मेरा बनता था और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट दी है ये मत करो कि पैसा कम दो और काम ज़्यादा करा लो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स अबाउट डेंजर्स ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट अगर तुम्हें तो लगता है कि जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो उसमें कुछ भी डेंजर का एस्पेक्ट छुपा हुआ है तो उसके बारे में कस्टमर को पहले ही अवेयर करो लाइक like, uh, आज कल ना एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारी याद सॉरी उस पर बोल रही हूँ टी वी पर बोल रही हूँ आजकल YouTube के एडवर्टीज़मेंट में बहुत सारी याद आ रही है कौन सी वाली ये रमी खेलो और ये खेलो ऑनलाइन ये गेम प्ले करो मैंने ये जीता मैंने वो जीता तुम भी जीत सकते हो मेरे को बाईसाइकिल मिली तो मैं भी मिल सकती है अब लावला सब ऐसे बहुत सारे याद आ रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन लास्ट में वो एक एक कंडीशनल लाइन बोलते हैं तो वो तो ऑब्लीगेटरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है बोलने के लिए बट वो लोग ये लाइन बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको लत लग, लग सकती है तो अपने जोखिम पे खेलिए ठीक है थीके? तो वही चीज़ है कि अगर आपको लगता है किसी चीज़ में कुछ नेगेटिव छुपा हुआ है जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे यूजुअली लंग कैंसर वाली फ़ोटोग्राफ्स होती हैं और उसमें लिखा होता है कि सिगरेट कॉज लंग कैंसर ठीक है ऐसे ही टीवी पे जब कोई दारू पी रहा होता है तो नीचे लिखा होता है कंजम्पशन इज़ डेंजरस फॉर योर लाइफ और योर हेल्थ एंड वी डू नॉट रिकमेंड यू दैट ठीक है तो बस वही चीज़ है कि आपको भी ऐसे डेंजरस चीज़ों के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बाद इंसान का चॉइस होना चाहिए कि वो आपको प्रोडक्ट खरीदे या नहीं खरीदे पर जस् भी कि आपका प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उनसे झूठ मत बोलो कि ये मत करो रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मान लीजिए किसी और इंसान ने कुछ नया क्रिएट किया है ठीक है उसने उसके राइट्स ले लिए हैं तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो चोरी मत करो इमिटेशन मत करो ऐसा कुछ मत करो कि उसके राइट्स इन्फ्लुस हो रहे हो ठीक है कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल इशूज़ ड्यूरिंग प्रोडक्शन जब भी प्रोडक्शन कर रहे हो एनवायरमेंटल इशूज़ को ध्यान में रखो तुम ये ध्यान में रखो कि भैया तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही सिचुएटेड है ठीक है अगर तुम कुछ भी गलत करोगे कुछ भी हार्म करोगे इन अ वे कल वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को भी हार्म करेगा शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म वाला हार्म मत करो एनवायरनमेंट को वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर तुम्हें लगता है कि आ, मतलब बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो उन्हें प्रोसेस करो उनको छोटे छोड़ छोटे टुकड़ों में काटो उसकी मैनेजमेंट करवाओ ये नहीं कि तुमने पानी में डलवा दिया यू नो जमीन में डलवा दिया इधर वो करवा दिया उधर वो करवा दिया, वो करवा दिया। वैसे सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए not to use child labor in their production. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भैया चाइल्ड बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं मतलब चाइल्ड लेबर बहुत ही सस्ते में मिल जाती है जहाँ पे एडल्ट को हज़ार रुपये देने पड़ते हैं वहाँ पे पाँच सौ रुपये में चाइल्ड लेबर से काम करवाया जा सकता है तो वो चीज़ मत करो क्योंकि उन लोगों के अभी खेलने कूदने के दिन हैं उनको हजार डीज़ों में ला तुम क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ठीक है उनकी तो लाइफ अभी शुरू हुई है ऐसे मानिए तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स जस्ट भी तुम्हें नेचुरल रिसोर्स बहुत ही आराम से मिल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें कैसे भी इस्तेमाल करोगे मतलब बिल्कुल आधा इस्तेमाल किया आधा फेंक इस्तेमाल किया था फेंक दिया और जान के वोट काटे जा रहे हो काटे जा रहे हो काटे जा रहे हो ये सब चीजें मत करो इफ यू आर यूजिंग नेचुरल चीज़ेंगे तो उसको ऑप्टिमली इस्तेमाल करो जहाँ जरूरत है वहीं इस्तेमाल करो जबरदस्ती फालतू में मत इस्तेमाल करो ठीक है ऑल दोपिन दें मॉरल रिस्पॉसिबिलिटी टू वर्ड सोसाइटीट फॉर सोसाइटी एंड शुड बी शुड सर्वाइव एंड ग्रो सारे के सारे ऐसे लोग जो कि मॉरली सही से काम करते हैं ऑन्टरप्रनोर uh, जो है तो उन, वो हमारे लिए असेट हैं और हमें काइंड ऑफ उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि दे आर फॉलोइंग द सोसाइटीज ना और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें ग्रो करवाएं ठीक है सो जिस जिस एस्पेक्ट से क्वेश्चन शुरू हुआ था उसी पे खत्म हो रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑन ये बोल रहे हैं चलो एक और तुम्हें एडिशनल वो दे देते हैं वैसे तो टू फिफ्टी वर्ड्स में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है टू फिफ्टी वर्ड अभी तक खत्म हो चुके हैं लेकिन अगर आपको लगे कि एक आधा एग्जाम्पल देना तो इनमें से कोई एक आधा एग्जाम्पल आराम से दे सकते हैं जैसे कि पाखर ब्रदर्स विद्रू इट्स बेस्ट सेलिंग टॉय वेन चिल्ड्रेन वर चॉक टू डेथ बाय स्वॉलोइंग सम पार्ट्स ऑफ द टॉय एंड रिमेन सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म ओके सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पाकर ब्रदर्स का उन्होंने कुछ टॉयज बनाए थे ऐसे जो बच्चों ने मतलब स्वॉलो कर लिए थे मतलब अंदर ले लिए थे और उसकी वजह मतलब, से चोकिंग हो गई थी सांस ना ले जाना पाना मतलब जो फूड पाइप से नहीं जो विंड पाइप से हम सांस लेते हैं मेरी ना साइंस थोड़ी बहुत बुरी है थोड़ी नहीं तो जहाँ से हम सांस लेते हैं वो वाले नली में वो फंस गए थे टॉयज तो जिसकी वजह से वो चोक करने लगे थे बच्चे तो जब दे रियलाइज दीज ब्रदर्स रियलाइज कि उनके से ऐसा हो रहा है तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था उन टॉयज को बनाना ठीक है तो ये काइंड ऑफ शो करता है उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट टूवर्ड्स द सोसाइटी कि देखो इन्होंने अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे बच्चे फिर भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिलवा देते हैं तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी टूवर्ड्स द सोसाइटी कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है मान लीजिए उसकी जगह हमारा बच्चा होता तो हमें कितना बुरा लगता है इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते दूसरों के बच्चों के साथ उन्होंने विद्रॉ कर लिए यहाँ पे ऑब्वियसली उनको बहुत लॉस इनकर करना पड़ा होगा लेकिन इन वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कमाए क्योंकि उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया यहाँ पर कभी कभी बोलते हैं ना कि एक लंबी छलांग मारने के लिए आपको दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं तो ये इनके दो कदम पीछे लिए हुए थे जिसमें उनको लॉस हुआ लेकिन उसके बाद इन्होंने लॉयल्टी जीती लोगों की और इन्होंने प्रॉफिट इनकर कर लिया नंदता बिजुर् ऑनर ऑफ ऊमा फूड प्रोडक्ट्स एंड एंटरप्राइज वर्थ सेवरल करोड ऑफ रुपीज नंदता बिजुर कौन है इनकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको थर्ड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से मिल जाएगी थर्ड चैप्टर ऑन्टनोरियल जर्नी जो है वो स्टार्ट ही इनकी स्टोरी से हो रहा है ठीक है तो पे आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने स्क्रैच स्टार्ट किया इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद फिर भी ये टिकी रही ही हमेशा ठीक है और एक अच्छा बहुत सक्सेसफुल बिजनेस इन्होंने बना लिया तो वहाँ पे पूरी पढ़ लीजिएगा आप स्टोरी फिर है करसन भाई पटेल क्रिएटर क्रिएटर ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर इनकी स्टोरी आपने पढ़ी हुई है ये वो इंसान हैं जिन्होंने दूसरों के दुख दर्द देखे ऐसी औरतों को देखा जो महंगे वाले वॉशिंग पाउडर्स अफोर्ड नहीं कर पा रही थी तो इन्होंने उनके लिए महंगे वाले वॉशिंग पाउडर का रिप्लेसमेंट निरमा के रूप में बनाया ठीक है तो इन्होंने भी सोसाइटी के लिए एक अच्छा पार्ट निभाया धीरू भाई अंबानी मोस्ट सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर ऑफ़ द वर्ल्ड अच्छा जी मोस्ट सक्सेसफुल थे तो so, इनकी भी बहुत सारी स्टोरीज है इनकी एक स्टोरी नहीं इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं एक मैंगो वाली स्टोरी तो अपने पहले पढ़ी थी तो so, धीरू भाई अंबानी जी ने भी काफ़ी वर्ल्ड को कुछ -कुछ, कुछ कुछ दिया है तो उसकी वजह से इनको भी हम कंसिडर करते हैं कि हाँ ये अच्छे ऑन्टरप्रेनोर है दैर एथिकल वैल्यू सिस्टम प्रोवाइडेड दैन विद रैशनल इकोनॉमिक एटीट्यूड एंड सक्सेसफुल ऑंटरप्रेनोर ऑफ़ द एथिकल वैल्यू सिस्टम थी उसकी वजह से काइंड ऑफ इनको बहुत कुछ मिला है लाइफ में और ये सक्सेसफुल हो पाए हैं चलिए नाउ लेट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर मेनी प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस रतन टाटा शिफ्टेड द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर नैनो कार्स फ्रॉम सिंगोर टू ड्यू टू सीन कॉम्प्लेक्सिटीज विच टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी शोन हेयर डिस्कस ये बोलते हैं बहुत बार लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से आपको पाथ में ऐसा लगता है कि हिंड्रेंस आ गया ऐसे रतन भाई आ, मतलब रतन टाटा सर ने भी अपनी जो फैक्ट्री थी नानो वाली कार बनाने वाली वो शिफ्ट करी थी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अब आपको बताना है विच टाइप ऑफ कंसिस्ट कॉम्पिनेंसी इज शोन हेयर कौन से वाली कॉम्पिटेंसी यहाँ पे बताई गई है दर्शाई गई है डिस्कस कीजिए उसे सोचिए कौन से वाली होगी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कौन से वाली होगी चलिए आंसर है टाइप ऑफ कॉम्पिडेंसी शोन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए ऑनट्रपिनोर्स को सी मेरी मतलब रतन दादा जी ने जब भी प्रॉब्लम देखी कि हाँ नैनो कार्स आ, का जो हमारा यूनिट लगा हुआ है वो सही जगह नहीं है वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है तो उन्होंने फद एक्शन लिया और वो यूनिट को उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दिया This is called problem solving. Mala problem arise, hui, aapne uska solution socha aur problem ko sort kar Ye entrepreneurs ke andar ek inbuilt quality honi Competency relates to the type of behavior exhibited in the performing of various tasks in the discharge of his functions. These competencies are uh, latent in the entrepreneur which need to be identified and acquired by which he should be able to face the problems with attention, confidence, and conviction. In the business world, problem solves टेक सोल्वर्स एक्चुअली टेक रिस्क बटन दिट ओके सारा बुक वाला हुआ वा है इंटरेस्टिंग नहीं है देखिये आपके जो ऑनटर की बुक है ना इसमें इतना अच्छा कॉन्टेंट नहीं है रेफरेंस के लिए आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए जैसे एनसीआर टी का नॉर्मली होता है ना ये जो अभी फिलहाल आप लोग रेफर कर रहे हैं ना वो सी बी एस ई द्वारा बताई गई है बट एनसीआर से एसोसिएटेड नहीं है So, ये कंटेंट वाली बुक नहीं है इससे आप टॉपिक्स देखिए लेकिन वेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग इनका कंटेंट इतना परफेक्ट नहीं है कि आप सेम चिपका दें आपको खुद का ही आंसर लिखना पड़ेगा सो बेटर वे क्या होगा कॉन्सेप्ट समझ लिया अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट किया उसको और उसके बाद अपना आंसर लिख दीजिए ये वाला आंसर मैं रेकमेंड नहीं करूंगी आप स्टूडेंट्स को लिखने के लिए क्योंकि इतना कंबलसर आंसर लिखना इतने फालतू इधर उधर की बातें करना कभी भी अच्छे मार्क्स पैच नहीं करता अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है फर्से इन्होंने सिचुएशन दिया आपको तो उसका आंसर आपने एक लाइन में दे दिया उसके बाद उस सिचुएशन के बेसिस पे ही आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि लाइक इन रतन टाटा सर्स केस वेन ही सॉ दिस प्रॉब्लम ही सॉल्व इट विद दिस वे जैसे मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया बस वही आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना था ये तो बहुत ही ऐसे ही लिखा हुआ है ठीक है And this is uh, a business uh, entrepreneur. Dada is a person who had undertaken some effort with risk for the benefit of others. He was aware that the venture he started was established on a new area and he has taken certain calculated risks. He was also aware of that many problems are bound to come in the path of the progress during that time, only taken a firm decision, and when the problem, like unfortunate complexities, had come in the path of the progress, they only had this and that. ओके okay, सो so सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वही उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी है बट इन अ वेरी पुअर वे इट क्लियरली शोज दैट मोस्ट ऑफ द आंट्रप्रीनोर्स आइडेंटिफाइड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फाइंड मोर देन वन वेज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड लुक फॉर आल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज दैट वुड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम जनरेट न्यू आइडियाज सो बेसिकली बताया सहेंगे कि ऑन्टरप्रनर्स यूजली देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं मतलब सॉल्यूशन के भी तो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए एक नहीं वर्क किया तो दूसरा वर्क करें वो होता है ना एक डायलॉग कि आपकी लाइफ में बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए बस वही चीज़ है कि बैकअप का भी बैकअप आपको अरेंज करना चाहिए एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में एक से ज़्यादा सोल्यूशन आपको ऑल्टरनेटिव देख के रखने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर कौन सा ऑल्टरनेटिव काम करेगा और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है विथ रतन टाटा सर ऑलरेडी न्यू सो इस वे में इन्होंने आगे वो चला लिया चलिए अब आ गए हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है राजू इज अ सिक्सटीन ईयर यंग बॉय वर्किंग हार्ड टू अर्न हिज लिविंग ही ऑल्सो ट्राइज टू सेम टू एक्वायर बेसिक एजुकेशन ही फॉल्स इन विच लेवल ऑफ नीड एज प्रपाउंडेड बाय इन हिज मोटिवेशनल थियोरी एक सिचुएशन दी हुई है और रेफरेंस दिया हुआ है किसका मोटिवेशनल थियोरी मैस्लो का और आपको बताना है कौन से लेवल पे फिट होता है ये राजू भाई साहब जल्दी पता लगाइए चलिए दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए या राजू 16 साल का लड़का है बहुत मुश्किल से अपनी लिविंग अर्न कर पा रहा है ही आल्सो ट्राइज टू सेव सम पार्ट ऑफ हिज अर्निंग टू एक्वायर बेसिक एजुकेशन बेसिक एजुकेशन के लिए मतलब थोड़ी अर्निंग वो कर रहा है कौन से स्टेज पे आता है एंड द आंसर इज राजू फॉल्स इन सेफ्टी नीड्स एज प्रोपाउंडेड बाय मास्लो इन हिज मोटिवेशनल थ्योरी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स देन सेफ्टी नीड्स ये सेकेंड लेवल पे आता है रीजन क्या है इन द वर्क प्लेस दिस नीड्स ट्रांसलेट्स इन टू अर नीड फॉर एन एटलीस्ट मिनिमल डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नॉलेज दैट वी के नॉट बी फायर दैट ओके सो बेसिकली कैसे पता लगाया आपने देखो यहां पे बोल रहे हैं कि राजू जो कमा रहा है उसमें से थोड़ा बहुत सेव भी कर रहा है बेसिक एजुकेशन के लिए मतलब वो इतना तो कमा रहा है कि वो अपने मतलब अपना खाना पीना ये सब अफोर्ड कर पा रहा है तभी तो वो बेसिक एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं अगर मान लीजिए उसके बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती तो वो एजुकेशन के बारे में सोचता क्या नहीं ही वॉज एबल टू सेव फॉर बेसिक एजुकेशन जस्ट बिकॉज उसकी बेसिक वाली नीड्स पूरी हो रही थी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही थी तो बाय डिफॉल्ट आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं सो दैट विल बी द आंसर सेकेंड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं मैस्लो नीड हर की थियरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है एक्सरसाइज खत्म होती है बहुत लंबी थी बहुत ज़्यादा लंबी थी थोड़ा सा इन टू टू एक्स आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उसके बेसिस पे आप कर सकते थे देख सकते थे बस ये याद रखना राइटिंग टिप्स जो मैंने आपको दिया है वो ज़रूर इंश्योर करनी है आपको कि वो आप फॉलो करें अपने आ, पेपर के टाइम पे एंड अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप जा सकते हैं उस गूगल पे गूगल पे टाइप करना है मैगन रेंज डॉट कॉम और जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको एक वेब पेज खुला हुआ दिख जाएगा वेब पेज में आपको सी बी एस ई के टू ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है इसमें फिर आप जाएंगे क्लास इलेवेंथ पे क्लास इलेवंथ में आपको सारे फैकल्टीज दिख जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगी पायल मैम बिजनेस स्टडीज़ के साथ और ऑन्टरप्रीनरशिप के साथ आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है फट से उठाइए यहाँ पे फिर आपको लेक्चर्स दिखेंगे वन बाय वन के कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं कितने ड्यूरेशन के हैं जो लेक्चर आपको पिक करना है उस पर क्लिक करिएगा वीडियो खुल जाएगी आप वीडियो से आराम से देख सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हैं विद डैटेड हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन देता है हर एक स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी है आप अपने वो, मतलब अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज का भरपूर फ़ायदा उठाइए एंड दैट इट कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और नेक्स्ट uh, चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो